रोमियों के नाम पॉलुस प्रेरित की पत्री अध्याय एक पॉलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्य के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूं और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूं कि किसी रीति से अब भी तुम्हारे पास आने को मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ अर्थात यह है कि मैं तुम्हारे बीच में होकर तुम्हारे साथ उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है शांति पाऊं और हे भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे और अन्य जातियों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले परंतु अब तक रुका रहा मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं सो मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूं क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रगट है क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रगट किया है क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं यहां तक कि वे निरुत्तर हैं इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया परंतु व्यर्थ विचार करने लगे यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है आमीन इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें सुबह सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर बदनाम करने वाले परमेश्वर के देखने में घृणित औरों का अनादर करने वाले अभिमानी डींग मार बुरी बुरी बातों के बनाने वाले माता पिता की आज्ञा न मानने वाले निर्बुद्धि विश्वासघाती माया रहित और निर्दय हो गए वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं रोमियों के नाम पोलूस प्रेरित की पत्री दूसरा अध्याय सोहे दोष लगाने वाले तू कोई क्यों न हो तू निरुत्तर है क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है इसलिए कि तू जो दोष लगाता है आप ही वही काम करता है और हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है और हे मनुष्य तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है पर अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा अपने निमित्त क्रोध कमा रहा है वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है उन्हें वह अनंत जीवन देगा पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर।, पर महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है पहले यहूदी को फिर यूनानी को क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता इसलिए कि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा क्योंकि परमेश्वर की यहां व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती या उन्हें निर्दोष ठहराती हैं जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूं और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है सो क्या तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता क्या तू जो चोरी न करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है तू जो कहता है व्यविचार न करना क्या आप ही व्यभिचार करता है तू जो मूर्तों से घृणा करता है क्या आप ही मंदिरों को लूटता है तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर करता है क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है जैसा लिखा भी है यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है परंतु यदि तू व्यवस्था को न माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा सो यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिन खतना की दशा खतने के बराबर न गिनी जाएगी और जो मनुष्य जाति के कारण बिन खतना रहा यदि वह व्यवस्था को पूरा करे तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है दोषी न ठहराएगा क्योंकि वह यहूदी नहीं जो प्रगट में यहूदी है और न वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है न कि लेख का ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है रोमियो के नाम पॉलूस प्रेरित की पत्री तीसरा अध्याय सो यहूदी की क्या बड़ाई या खतने का क्या लाभ हर प्रकार से बहुत कुछ पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए यदि कितने विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी कदापि नहीं वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे जैसा लिखा है कि जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए सो यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है तो हम क्या कहें क्या यह है कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी है यह तो मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं कदापि नहीं।, नहीं तो परमेश्वर क्यों कर जगत का न्याय करेगा यदि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई तो फिर क्यों पापी की नाई में दंड के योग्य ठहराया जाता हूं और हम क्यों बुराई न करें कि भलाई निकले जब हम पर यही दोष लगाया भी जाता है और कितने कहते हैं कि इनका यही कहना है परंतु ऐसों का दोषी ठहराना ठीक है तो फिर क्या हुआ क्या हम उनसे अच्छे हैं कभी नहीं क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं, जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं एक भी नहीं कोई समझदार नहीं कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं सब भटक गए हैं सब के सब निकम्मे बन गए कोई भलाई करने वाला नहीं एक भी नहीं उनका गला खुली हुई कब्र है उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है उनके होठों में सांपों का विष है और उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है उनके पांव लोहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्य देते हैं अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है क्योंकि कुछ भेद नहीं इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं उसे परमेश्वर ने उसके लोहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो तो घमंड करना कहां रहा उसकी तो जगह ही नहीं कौन सी व्यवस्था के कारण से क्या कर्मों की व्यवस्था से नहीं वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है क्या अन्य जातियों का नहीं हाँ अन्य जातियों का भी है क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं कदापि नहीं व्यवस्था को स्थिर करते हैं रोमियों के नाम पोलूस प्रेरित की पत्री चौथा अध्याय सो हम क्या कहें कि हमारे शारीरिक पिता इब्राहिम को क्या प्राप्त हुआ क्योंकि यदि इब्राहिम कर्मों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमन करने की जगह होती परंतु परमेश्वर के निकट नहीं पवित्र शास्त्र क्या कहता है यह कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्ति हीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है जिससे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता है कि धन्य वे हैं जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए धन्य है वह मनुष्य जिससे परमेश्वर पापी न ठहराए तो यह धन्य कहना क्या खतना वालों ही के लिए है या खतना रहितों के लिए भी हम यह कहते हैं कि इब्राहिम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया तो वह क्यों कर गिना गया खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में खतने की दशा में नहीं परंतु बिना खतने की दशा में और उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था जिससे वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं और की वे भी धर्मी ठहरे और उन खतना किए हुओं का पिता हो जो न केवल खतना किए हुए हैं परंतु हमारे पिता इब्राहिम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं जो उसने बिन खतने की दशा में किया था क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा न इब्राहिम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है और जहां व्यवस्था नहीं वहां उसका टालना भी नहीं इसी कारण वह विश्वास के द्वारा मिलती है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि प्रतिज्ञा सब वंश के लिए दृढ़ हो न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है वरन उनके लिए भी जो इब्राहिम के समान विश्वास वाले हैं वही तो हम सब का पिता है जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वह बहुत सी जातियों का पिता हो और वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने को भी सामर्थ्य है इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया और यह वचन कि विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया रोमियों के नाम पौलूस प्रेरित की पत्री पांचवा अध्याय सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीही ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हियाव करें परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा सो जबकि हम अब उसके लोहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे और केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु मसीह के द्वारा जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई इसलिए कि सबने पाप किया क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम के अपराध की नहीं जो उस आने वाले का चिन्ह है पाप न किया पर जैसा अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के बरदान की नहीं क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ बहुत तेरे लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ और जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसा ही दान की दशा नहीं क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ परन्तु बहुतेरे अपराधों से ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे स्किल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय छेजकि भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय छे। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा हे मनुष्य के संतान अपना मुख इसराइल के पहाड़ों की ओर करके उनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और कह हे इसराइल के पहाड़ों प्रभु यहोवा का वचन सुनो प्रभु यहोवा पहाड़ों और पहाड़ियों से और नालों और तराइयों से यो कहता है देखो मैं तुम पर तलवार चलाऊंगा और तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थानों को नाश करूंगा तुम्हारी वेदिया उजड़ेंगी और तुम्हारी सूर्य की प्रतिमाएं तोड़ी जाएंगी और मैं में से मारे हुओं को तुम्हारी मूर्तों के आगे फेंक दूंगा मैं इसराइलियों की लोथों को उनकी मूर्तों के सामने रखूंगा और उनकी हड्डियों को तुम्हारी वेदियों के आसपास चित्रा दूंगा तुम्हारे जितने बसाए हुए नगर हैं, वे सब ऐसे उजड़ जाएंगे कि तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थान भी उजाड़ हो जाएंगे, तुम्हारी वेदियां उजड़ेंगी और ढाई जाएगी तुम्हारी मूर्तें जाती रहेंगी और तुम्हारी सूर्य की प्रतिमाएं काटी जाएगी और तुम्हारी सारी कारीगरी मिटाई जाएगी और तुम्हारे बीच मारे हुए गिरेंगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं तो भी मैं कितनों को बचा रखूंगा सो जब तुम देश देश में तीतर बीतर होगे तब अन्य जातियों के बीच तुम्हारे कुछ लोग तलवार से बच जाएंगे और वे बचे हुए लोग उन जातियों के बीच जिनमें वे बंधुए होकर जाएंगे मुझे स्मरण करेंगे और यह भी कि हमारा व्यभिचारी हृदय यहोवा से कैसे हट गया है और व्यभिचारिणी किसी हमारी आंखें मूर्तों पर कैसी लगी है जिससे यहोवा का मन टूटा है इसी से उन बुराइयों के कारण जो उन्होंने अपने सारे घिनौने काम करके की है वे अपनी दृष्टि में घिनौने ठहरेंगे तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं और उनकी सारी हानि करने को मैंने जो यह कहा है उसे व्यर्थ नहीं कहा प्रभु यहोवा यो कहता है कि अपना हाथ मारकर और अपना पांव पटक कर कह इसराइल के घराने के सारे घिनौने कामों पर हाय हाय क्योंकि वे तलवार भूख और मरी से नाश हो जाएंगे। जो दूर हो वह मरी से मरेगा और जो निकट हो वह तलवार से मार डाला जाएगा और जो बचकर नगर में रहते हुए घेरा जाए वह भूख से मरेगा इस भांति मैं अपनी जलजलाहट उन पर पूरी रीति से उतारूंगा और जब हरेक ऊंची पहाड़ी और पहाड़ों की हरेक चोटी पर और हरेक हरे पेड़ के नीचे और हरेक घने बांज वृक्ष की छाया में जहां जहां वे अपनी सब मूर्तों को सुखदायक सुगंध द्रव्य चढ़ाते हैं वहां उनके मारे हुए लोग अपनी वेदियों के आसपास अपनी मूर्तों के बीच में पड़े रहेंगे तब तुम लोग जान लोगे कि मैं युवा हूं मैं अपना हाथ उनके विरुद्ध बढ़ाकर उस देश को सारे घरों समेत जंगल से ले दिबला की ओर तक उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा तब वे जान लेंगे कि मैं योवा हूं यह भविष्य की पुस्तक अध्याय सात यह स्केल भविष्यवर्ता की पुस्तक अध्याय सात फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा हे मनुष्य के संतान प्रभु यहोवा इसराइल की भूमि के विषय में यो कहता है कि अंत हुआ चारों कोनों समेत देश का अंत आ गया है तेरा अंत भी आ गया और मैं अपना कोप तुझ पर भड़काकर तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा और तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे दूंगा मेरी दया दृष्टि तुझ पर न होगी और न मैं कोमलता करूंगा और जब तक तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे तब तक मैं तेरे चाल चलन का फल तुझे दूंगा तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूं प्रभु यहोवा यो कहता है विपत्ति है एक बड़ी विपत्ति है देखो वह आती है अंत आ गया है सबका अंत आया है वह तेरे विरुद्ध जागा है देखो वह आता है हे देश के निवासी तेरे लिए चक्र घूम चुका समय आ गया दिन निकट है पहाड़ों पर आनंद के शब्द का दिन नहीं हुल्लड़ी ही का होगा अब थोड़े ही दिनों में मैं अपनी जलजलाहट तुझ पर भड़काऊंगा और तुझ पर पूरा कोप उंडेलूंगा और तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा और तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे भुगताऊंगा मेरी दया दृष्टि तुझ पर न होगी और न मैं तुझ पर कोमलता करूंगा मैं तेरी चाल चलन का फल तुझे भुगताऊंगा और तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा दंड देने वाला हूं देखो उस दिन को देखो वहां आता है चक्र घूम चुका छड़ी फूल चुकी अभिमान फूला है उपद्रव बढ़ते बढ़ते दुष्टता का दंड बन गया उनमें से कोई न बचेगा और न उनकी भीड़भाड़ न उनके धन में से कुछ रहेगा और न उनमें से किसी के लिए विलाप सुन पड़ेगा समय आ गया दिन निकट आ गया है न तो मोल लेने वाला आनंद करे और न बेचने वाला शोक करे क्योंकि उनकी सारी भीड़ पर कोप भड़क उठा है चाहे वे जीवित रहे तो भी बेचने वाला बेची हुई वस्तु के पास कभी लौटने न पाएगा, क्योंकि दर्शन की यह बात देश की सारी भीड़ पर घटेगी, कोई न लौटेगा कोई भी मनुष्य जो अधर्म में जीवित रहता है बल न पकड़ेगा उन्होंने नरसिंगा फूका और सब कुछ तैयार कर दिया परन्तु युद्ध में कोई नहीं जाता क्योंकि देश की सारी भीड़ पर मेरा कोप भड़का हुआ है बाहर तलवार और भीतर महंगी और मरी है जो मैदान में हो वह तलवार से मरेगा और जो नगर में हो वह भूख और मरी से मारा जाएगा और उनमें से जो बच निकलेंगे वे बचेंगे तो सही परंतु अपने अपने अधर्म में फंसे रहकर तराईयों में रहने वाले कबूतरों की नाई पहाड़ों के ऊपर विलाप करते रहेंगे सबके हाथ ढीले और सबके घुटने अति निर्बल हो जाएंगे, और वे कमर में टाट कसेंगे और उनके रोए खड़े होंगे सबके मुंह सूख जाएंगे, और सबके सिर मुंडे जाएंगे, वे अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा यहोवा की जलन के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा न सकेगी न उससे उनका जी संतुष्ट होगा न उनके पेट भरेंगे क्योंकि वह उनके अधर्म के ठोकर का कारण हुआ है उनका देश जो शोभायमान और शिरोमणि था उसके विषय में उन्होंने गर्व ही गर्व करके उसमें अपनी घृणित वस्तुओं की मूर्तें और घृणित वस्तुएं बना रखी इस कारण मैंने उसे उनके लिए अशुद्ध वस्तु ठहराया है और मैं उसे लूटने के लिए परदेशियों के हाथ और धन छीनने के लिए पृथ्वी के दुष्ट लोगों के वश में कर दूंगा और वे उसे अपवित्र कर डालेंगे मैं उनके मुंह फेर लूंगा तब वे मेरे रक्षित स्थान को अपवित्र कर डालेंगे और डाकू उसमें घुसकर उसे अपवित्र करेंगे एक सांकल बना दे क्योंकि देश अन्याय की हत्या से और नगर उपद्रव से भरा हुआ है मैं अन्य जातियों के बुरे से बुरे लोगों को लाऊंगा जो उनके घरों के स्वामी हो जाएंगे और मैं सामर्थियों का गर्व तोड़ दूंगा और उनके पवित्र स्थान अपवित्र किए जाएंगे सत्यानाश होने पर है तब ढूंढने पर भी उन्हें शांति न मिलेगी विपत्ति पर विपत्ति आएगी और उड़ती हुई चर्चा पर चर्चा सुनाई पड़ेगी और लोग भविष्यवक्ता से दर्शन की बात पूछेंगे परंतु याजक के पास से व्यवस्था और पुर्णियों के पास से सम्मति देने की शक्ति जाती रहेगी राजा तो शोक करेगा और रईस उदासी रूपी वस्त्र पहनेंगे और देश के लोगों के हाथ ढीले पड़ेंगे मैं उनके चलन के अनुसार उनके बर्ताव करूंगा और उनकी कमाई के समान उनको दंड दूंगा तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं यही भविष्य की पुस्तक अध्याय भविष्य की पुस्तक अध्याय आठ फिर छठवें वर्ष के छठवें महीने के पांचवें दिन को जब मैं अपने घर में बैठा था और यहूदियों के पूर्णिय मेरे सामने बैठे थे तब प्रभु यहोवा की शक्ति वहीं मुझ पर प्रकट हुई और मैंने देखा कि आग का सा एक रूप दिखाई देता है उसकी कमर से नीचे की ओर आग है और उसकी कमर से ऊपर की ओर झलकाए हुए पीतल की सी कुछ है उसने हाथ सा कुछ बढ़ाकर मेरे सिर के बाल पकड़े तब आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाकर परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शनों में यरूशलेम के मंदिर के भीतर आंगन के उस फाटक के पास पहुंचा दिया जिसका मुंह उत्तर की ओर है और जिसमें उस जलन उपजाने वाली प्रतिमा का स्थान था जिसके कारण द्वेष उपजाता है फिर वहां इसराइल के परमेश्वर का तेज वैसा ही था जैसा मैंने मैदान में देखा था उसने मुझसे कहा हे मनुष्य के संतान अपनी आंखें उत्तर की ओर उठाकर देख सो मैंने अपनी आंखें उत्तर की ओर उठाकर देखा कि वेदी के फाटक के उत्तर की ओर उसके प्रवेश स्थान ही में वह डाह उपचाने वाली प्रतिमा है तब उसने मुझसे कहा हे मनुष्य के संतान क्या तू देखता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? इसराइल का घराना क्या ही बड़े घृणित काम यहां करता है ताकि मैं अपने पवित्र स्थान से दूर हो जाओ परंतु तू इनसे भी अधिक घृणित काम देखेगा तब वह मुझे आंगन के द्वार पर ले गया और मैंने देखा कि भीत में एक छेद है तब उसने मुझसे कहा हे मनुष्य के संतान भीत को फोड़ सो मैंने भीत को फोड़कर क्या देखा कि एक द्वार है उसने मुझसे कहा भीतर जाकर देख कि ये लोग यहां कैसे कैसे और घृणित काम कर रहे हैं सो मैंने भीतर जाकर देखा कि चारों ओर की भीत पर जाति जाति के रेंगने वाले जंतुओं घृणित पशुओं और इसराइल के घराने की सब मूर्तों के चित्र खींचे हुए हैं और इसराइल के घराने के पूर्णियों में से सत्तर पुरुष जिनके बीच में शापान का पुत्र याजन्याह भी है वे उन चित्रों के सामने खड़े हैं और हर एक पुरुष अपने हाथ में धूपदान लिए हुए हैं और धूप के धुएं के बादल की सुगंध उठ रही है तब उसने मुझसे कहा हे मनुष्य के संतान क्या तूने देखा है कि इसराइल के घराने के पूर्णीय अपनी अपनी नक्शा वाली कुटरियों के भीतर अर्थात अंधियारे में क्या कर रहे हैं? वे कहते हैं कि यहोवा हमको नहीं देखता यहोवा ने देश को त्याग दिया है फिर उसने मुझसे पूछा तू इनसे और भी अतिगृणीत काम देखेगा जो वे करते हैं तब वह मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था और वहां स्त्रियां बैठी हुई तम्बूज के लिए रो रही थी तब उसने मुझसे कहा हे मनुष्य के संतान क्या तूने यह देखा है फिर इससे भी बड़े घृणित काम तू देखेगा तब वह मुझे यहोवा के भवन के भीतर आंगन में ले गया और वहां यहुआ के भवन के द्वार के पास ओसारे और वेदी के बीच कोई पच्चीस पुरुष अपनी पीठ यहोवा के भवन की ओर और, और अपने मुख पूर्व की ओर किए हुए थे और वे पूर्व दिशा की ओर सूर्य को दंडवत कर रहे थे तब उसने मुझसे कहा हे hey, मनुष्य के संतान क्या तूने यह देखा क्या यहुदा के घराने के लिए घृणित कामों का करना जो वे यहां करते हैं छोटी बात है उन्होंने अपने देश को उपद्रव से भर दिया और फिर यहां आकर मुझे रीस दिलाते हैं वरन वे डाली को अपनी नाक के आगे लिए रखते हैं। इसलिए मैं भी जलजलाहट के काम करूंगा न मैं दया करूंगा और न मैं कोमलता करूंगा और चाहे वे मेरे कानों में ऊंचे शब्दों से पुकारे तो भी मैं उनकी बात न सुनूंगा यह भविष्य की, की पुस्तक अध्याय नौ फिर उसने मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा नगर के अधिकारियों को अपने अपने हाथ में नाश करने का हथियार लिए हुए निकट लाओ इस पर छह पुरुष उत्तर की ओर ऊपरी फाटक के मार्ग से अपने अपने हाथ में घात करने का हथियार लिए हुए आए और उनके बीच सन का वस्त्र पहने कमर में लिखने की दवात बांधे हुए एक और पुरुष था और वे सब भवन के भीतर जाकर पीतल की वेदी के पास खड़े हुए और इसराइल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से जिनके ऊपर वह रहा करता था भवन की डेवड़ी पर से उठाया था और उसने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को जो कमर में दवात बांधे हुए था पुकारा और युह ने उससे कहा इस यरुशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसे भरते और दुख से चिल्लाते हैं उनके माथों पर चिन्ह कर दे तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरे से कहा नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ किसी पर दया न करना और न कोमलता से काम करना बूढ़े युवा कुआरी बाल बच्चे स्त्रियां सबको मारकर नाश करो परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो उसके निकट न जाना और मेरे पवित्र स्थान से ही आरंभ करो और उन्होंने उन पुर्णियों से आरंभ किया जो भवन के सामने थे फिर उसने उनसे कहा भवन को अशुद्ध करो और आंगन को लोथों से भर दो चलो बाहर निकलो तब वे निकलकर नगर में मारने लगे जब वे मार रहे थे और मैं अकेला रह गया तब मैं मुंह के बल गिरा और चिल्लाकर कहा हाय प्रभु यह हुआ क्या तू तो अपनी जलजलाहट यरूशलेम पर भड़काकर इसराइल के सब बचे हुओं को भी नाश करेगा तब उसने मुझसे कहा इसराइल और यहूदा के घरानों का अधर्म अत्यंत ही अधिक है यहां तक कि देश हत्या से और नगर अन्याय से भर गया है क्योंकि वे कहते हैं कि यहोवा ने पृथ्वी को त्याग दिया और यहोवा कुछ नहीं देखता इसलिए उन पर दया न होगी न मैं कोमलता करूंगा वरन उनकी चाल उन्हीं के सिर लौटा दूंगा तब मैंने क्या देखा कि जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए और कमर में दवात बांधे था उसने यह कहकर समाचार दिया जैसे तूने आज्ञा दी मैंने वैसे ही किया है यह स्केल भविष्य की पुस्तक अध्याय दस यह स्केल भविष्य की पुस्तक अध्याय दस इसके बाद मैंने देखा कि करूबों के सिरों के ऊपर जो आकाशमंडल है उसमें नीलमणि का सा कुछ दिखाई देता है तब यहोवा ने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष से कहा घूमने वाले पहियों के बीच करूबों के नीचे जा और अपनी दोनों मुट्ठियों को करूबों के बीच के अंगारों से भरकर नगर पर छिता दे सो वह मेरे देखते देखते उनके बीच में गया जब वह पुरुष भीतर गया तब वे करूब भवन की दक्षिण ओर खड़े थे और बादल भीतर वाले आंगन में भरा हुआ था तब यहोवा का तेज करूबों के ऊपर से उठकर भवन की डेवड़ी पर आ गया और बादल भवन से भर गया और वह आंगन यहोवा के तेज के प्रकाश से भर गया और करूबों के पंखों का शब्द बाहरी आंगन तक सुनाई देता था वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बोलने का सा शब्द था जब उसने सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को घूमने वाले पहियों के भीतर करूबों के बीच में से आग लेने की आज्ञा दी तब वह उनके बीच में जाकर एक पहिए के पास खड़ा हुआ तब करूबों के बीच से एक करूब ने अपना हाथ बढ़ाकर उस आग में से जो करूबों के बीच में थी कुछ उठाकर सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष की मुट्ठी में दे दी और वह उसे लेकर बाहर चला गया करूबों के पंखों के नीचे तो मनुष्य का हाथ सा कुछ दिखाई देता था तब मैंने देखा कि करूबों के पास चार पहिए हैं, अर्थात एक एक करूब के पास एक एक पहिया है और पहियों का रूप फिरोजा का सा है और उनका ऐसा रूप है कि चारों एक से दिखाई देते हैं, जैसे एक पहिए के बीच दूसरा पहिया हो चलने के समय वे अपनी चारों अलंगों के बल से चलते हैं और चलते समय मुड़ते नहीं वरन जिधर उनका सिर रहता है उधर ही उसके पीछे चलते हैं और चलते समय वे मुड़ते नहीं और पीठ हाथ और पंखों समेत करूबों का सारा शरीर और जो पहिए उनके हैं वे भी सबके सब चारों ओर आंखों से भरे हुए हैं। मेरे सुनते हुए इन पहियों को चक्कर कहा गया अर्थात घूमने वाले पहिए और एक एक के चार चार मुख थे एक मुख तो करूप का सा दूसरा मनुष्य का सा तीसरा सिंह का सा और चौथा उका पक्षी का सा और करूब भूमि पर से उठ गए। ये वे ही जीवधारी है जो मैंने कबार नदी के पास देखे थे और जब जब वे करूब चलते थे तब तब ये पहिए उनके पास पास चलते थे और जब जब करूब पृथ्वी पर से उठने के लिए अपने पंख उठाते तब तब पहिए उनके पास से नहीं मुड़ते जब वे खड़े होते तब ये भी खड़े होते थे और जब वे उठते तब ये भी उनके संग उठते थे क्योंकि जीवधारियों की आत्मा इनमें भी रहती थी यहोवा का तेज भवन की डेवड़ी पर से उठकर करूबों के ऊपर ठहर गया और करूब अपने पंख उठाकर मेरे देखते देखते पृथ्वी पर से उठकर निकल गए और पहिए भी उनके संग संग गए और वे सब यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक में खड़े हो गए और इसराइल के परमेश्वर का तेज उनके ऊपर ठहरा रहा ये वे ही जीवधारी है जो मैंने कबार नदी के पास इसराइल के परमेश्वर के नीचे देखे थे और मैंने जान लिया कि वे भी करूब हैं। हरेक के चार मुख और चार पंख और पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ भी थे और उनके मुखों का रूप वही है जो मैंने कबार नदी के तीर पर देखा था और उनके मुख ही क्या वर उनकी सारी देह भी वैसी ही थी वे सीधे अपने अपने सामने ही चलते थे भविष्य वक्ता की पुस्तक अध्याय ग्यारह।, ग्यारह तब आत्मा ने मुझे उठाकर यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक के पास जिसका मुंह पूर्वी दिशा की ओर है पहुंचा दिया और वहां मैंने क्या देखा कि फाटक ही में 25 पुरुष हैं, और मैंने उनके बीच अज्जूर के पुत्र याजन्याह को और बनायाह के पुत्र पलत्याह को देखा जो प्रजा के प्रधान थे तब उसने मुझसे कहा हे मनुष्य के संतान जो मनुष्य इस नगर में अनर्थ कल्पना और बुरी युक्ति करते हैं, वे ये ही है ये कहते हैं घर बनाने का समय निकट नहीं यह नगर हंडा और हम उसमें का मांस है इसलिए हे मनुष्य के संतान इनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर भविष्यवाणी तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा और मुझसे कहा ऐसा कहा यो कहता है कि हे इसराइल के घराने तुमने ऐसा ही कहा है जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूं तुमने तो इस नगर में बहुतों को मार डाला वर उनकी सड़कों को लोथों से भर दिया है इस कारण प्रभु यहोवा यो कहता है कि जो मनुष्य तुमने इसमें मार डाले हैं, उनकी लोथे ही इस नगर रूपी में का मास है और तुम इसके बीच से निकाले जाओगे तुम तलवार से डरते हो और मैं तुम पर तलवार चलाऊंगा प्रभु यहोवा की यही वाणी है मैं तुमको इसमें से निकालकर परदेशियों के हाथ में कर दूंगा और तुमको दंड दिलाऊंगा तुम तलवार से मरकर गिरोगे और मैं तुम्हारा मुकदमा इसराइल के देश के सिवाने पर चुकाऊंगा तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं यह नगर तुम्हारे लिए हंडा न बनेगा और न तुम इसमें कम मास होंगे मैं तुम्हारा मुकदमा इसराइल के देश के सिवाने पर चुकाऊंगा तब तुम जान लोगे कि मैं युवा हूं तुम तो मेरी विधियों पर नहीं चले और मेरे नियमों को तुमने नहीं माना परंतु अपने चारों ओर की अन्य जातियों की रीतियों पर चले हो मैं इस प्रकार की भविष्यवाणी कर रहा था कि बनायाह का पुत्र पलत्याह मर गया तब मैं मुंह के बल गिरकर ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा और कहा हाय प्रभु यहोवा क्या तू इसराइल के बची हुओं का सत्यानाश कर डालेगा तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा हे मनुष्य के संतान यरूशलेम के निवासियों ने तेरे निकट भाइयों से परन इसराइल के सारे घराने से भी कहा है कि तुम यहोवा के पास से दूर हो जाओ यह देश हमारे ही अधिकार में दिया गया है परंतु तू उनसे कहा प्रभु यहोवा यो कहता है कि मैंने तुमको तो दूर दूर की जातियों में बसाया और देश देश में तीतर बीतर कर दिया है तो भी जिन देशों में तुम आए हुए हो उनमें मैं स्वयं तुम्हारे लिए थोड़े दिन तक पवित्र स्थान ठहरूंगा इसलिए उसने कहा प्रभु यहोवा यो कहता है कि मैं उनको जाति जाति के लोगों के बीच से बटोरूंगा और जिन देशों में तुम तीतर बीतर किए गए हो उनमें से तुमको इकट्ठा करूंगा और तुम्हें इसराइल की भूमि दूंगा और वे वहां पहुंचकर उस देश की सब घृणित मूर्तें और सब घृणित काम भी उसमें से दूर करेंगे और मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न कर दूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा जिससे वे मेरी विधियों पर नित चला करें और मेरे नियमों को माने और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा परंतु वे लोग जो अपनी घृणित मूर्तों और घृणित कामों में मन लगाकर चलते रहते हैं उनको मैं ऐसा करूंगा कि उनकी चाल उन्हीं के सिर पर पड़ेगी प्रभु यहोवा की यही वाणी है इस पर करूबों ने अपने पंख उठाए और पहिए उनके संग संग चले और इसराइल के परमेश्वर का तेज उनके ऊपर था तब यहोवा का तेज नगर के बीच में से उठकर उस पर्वत पर ठहर गया जो नगर की पूर्व की ओर है फिर आत्मा ने मुझे उठाया और परमेश्वर के आत्मा की शक्ति से दर्शन में मुझे कस्तियों के देश में बंधुओं के पास पहुंचा दिया और जो दर्शन मैंने पाया था वह लोप हो गया तब जितनी बातें यहा ने मुझे दिखाई थी वे मैंने बंधुओं को बता दी यह भविष्य वक्तायेज यह भविष्य वक्ता की पुस्तक अध्याय, अध्याय बारह फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा हे मनुष्य के संतान तू बलवा करने वाले घराने के बीच में रहता है जिनके देखने के लिए आंखें तो है परंतु नहीं देखते और सुनने के लिए कान तो है परंतु नहीं सुनते क्योंकि वे बलवा करने वाले घराने के हैं, इसलिए हे मनुष्य के संतान दिन को बंधुआई का सामान तैयार करके उनके देखते हुए उठ जाना उनके देखते हुए अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान को जाना यद्यपि वे बलवा करने वाले घराने के हैं तो भी संभव है कि वे ध्यान दे सो तू दिन को उनके देखते हुए बंधुआई के सामान की नाई अपना सामान निकालना और तब तू सांझ को बंधुआई में जाने वाले के सामान उनके देखते हुए उठ जाना उनके देखते हुए भीत को फोड़कर उसी से अपना सामान निकालना उनके देखते हुए उसे अपने कंधे पर उठाकर अंधेरे में निकालना और अपना मुंह ढापे रहना कि भूमि तुझे न दिख पड़े क्योंकि मैंने तुझे इसराइल के घराने के लिए एक चिन्ह ठहराया है उस आज्ञा के अनुसार मैंने वैसा ही किया दिन को मैंने अपना सामान बंधुआई के सामान की नाई निकाला और सांझ को अपने हाथ से भीत को फोड़ा फिर अंधेरे में सामान को निकालकर उनके देखते हुए अपने कंधे पर उठाए हुए चला गया सुबह को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा हे मनुष्य के संतान क्या इसराइल के घराने ने अर्थात उस बलवा करने वाले घराने ने तुझसे यह नहीं पूछा कि यह तू क्या करता है तू उनसे कहा कि प्रभु यह कहता है यह प्रभावशाली वचन यरूशलेम के प्रधान पुरुष और इसराइल के सारे घराने के विषय में है जिनके बीच में वे रहते हैं तू उनसे कहा मैं तुम्हारे लिए चिन्ह हूं जैसा मैंने किया है वैसा ही इसराइली लोगों से भी किया जाएगा उनको उठाकर बंधुआए में जाना पड़ेगा उनके बीच में जो प्रधान है सो अंधेरे में अपने कंधे पर बोझ उठाए हुए निकलेगा वह अपना सामान निकालने के लिए भीत को फोड़ेगा और अपना मुंह ढापे रहेगा कि उसको भूमि न दिख पड़े और मैं उस पर अपना जाल फैलाऊंगा और वह मेरे फंदे में फंसेगा और मैं उसे कसदियों के देश के बाबुल में पहुंचा दूंगा यद्यपि वह उस नगर में मर जाएगा तो भी उसको न देखेगा और जितने उसके सहायक उसके आसपास होंगे उनको और उसकी सारी टोलियों को मैं सब दिशाओं में तीतर भीतर कर दूंगा और तलवार खींचकर उनके पीछे चलवाऊंगा और जब मैं उन्हें जाति जाति में तीतर भीतर कर दूंगा और देश देश में छिन्न भिन्न कर दूंगा तब वे जान लेंगे कि मैं यहुआ हूं परंतु मैं उनमें से थोड़े से लोगों को तलवार भूख और मरी से बचा रखूंगा और वे अपने घृणित काम उन जातियों में बखान करेंगे जिनके बीच में वे पहुंचेंगे तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा हे मनुष्य के संतान कांपते हुए अपनी रोटी खा और थरथराते और चिंता करते हुए अपना पानी पीना और इस देश के लोगों से यो कहना कि प्रभु यहोवा यरूश्लेम और इसराइल के देश के निवासियों के विषय में यो कहता है वे अपनी रोटी चिंता के साथ खाएंगे और अपना पानी विस्मय के साथ पिएंगे, क्योंकि देश अपने सब रहने वालों के उपद्रव के कारण अपनी सारी भरपूरी रहित हो जाएगा और बसे हुए नगर उजड़ जाएंगे और देश भी उजाड़ हो जाएगा तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूं फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा हे मनुष्य के संतान यह क्या कहावत है जो तुम लोग इसराइल के देश में कहा करते हो कि दिन अधिक हो गए हैं और दर्शन की कोई बात पूरी नहीं हुई इसलिए उनसे कहा प्रभु यहोवा यो कहता है मैं इस कहावत को बंद कर दूंगा और यह कहावत इसराइल पर फिर न चलेगी और तू उनसे कहा कि वह दिन निकट आ रहा है और दर्शन की सब बातें पूरी होने पर है क्योंकि इसराइल के घराने में न तो और अधिक झूठे दर्शन की कोई बात और न कोई चिकनी चुपड़ी बात फिर कही जाएगी क्योंकि मैं ये हुआ हूं जब मैं बोलू तब जो वचन मैं कहूं वह पूरा हो जायेगा उसमें विलंब न होगा परंतु हे बलवा करने वाले घराने तुम्हारे ही दिनों में मैं वचन कहूंगा और वह पूरा हो जाएगा प्रभु यहोवा की यही वाणी है फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा हे मनुष्य के संतान देख इसराइल के घराने के लोग यह कह रहे हैं कि जो दर्शन वह देखता है वह बहुत दिनों के बाद पूरा होने वाला है और कि वह दूर के समय के विषय में भविष्यवाणी करता है इसलिए तू उनसे कह प्रभु यहोवा यो कहता है मेरे किसी वचन के पूरा होने में फिर विलंब न होगा वरन जो वचन मैं कहूं सो वह निश्चय पूरा होगा प्रभु यहोवा की यही वाणी है यह स्केल भविष्य वक्ता की पुस्तक अध्याय तेरह यह स्केल भविष्य वक्ता की पुस्तक अध्याय तेरह यह ते यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा हे मनुष्य के संतान इसराइल के जो भविष्यवक्ता अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके तू कह यहोवा का वचन सुनो प्रभु यहोवा यो कहता है हाय उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं, और कुछ दर्शन नहीं पाया हे इसरायल तेरे भविष्यवक्ता खंडहरों में लुमड़ियों के समान बन गए तुमने नाकों में चढ़कर इसराइल के घराने के लिए भीत नहीं सुधारी जिससे वे यहोवा के दिन युद्ध में स्थिर रह सकते वे लोग जो कहते हैं यहोवा की यह है उन्होंने भावी का व्यर्थ और झूठा दावा किया है और तब भी यह आशा दिलाई कि यहोवा यह वचन पूरा करेगा तो भी यहोवा ने उन्हें नहीं भेजा क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं और क्या तुम झूठ-मूठ भावी नहीं कहते तुम कहते हो कि यह की यह वाणी है परंतु मैंने कुछ नहीं कहा है इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यो कहता है तुमने जो व्यर्थ बात कही है और झूठे दर्शन देखे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे विरुद्ध हूं प्रभु यहोवा की यही वाणी है जो भविष्य वक्ता झूठे दर्शन देखते और झूठ मूठ भावी कहते हैं मेरा हाथ उनके विरुद्ध होगा और वे मेरी प्रजा की गोष्ठी में भागी न होंगे न तो उनके नाम इसराइल की नामावली में लिखे जाएंगे और न वे इसराइल के देश में प्रवेश करने पाएंगे। इससे तुम लोग जान लोगे कि मैं प्रभु यहोवा हूं क्योंकि हां क्योंकि उन्होंने शांति है ऐसा कहकर मेरी प्रजा को बहकाया है जबकि शांति नहीं है और इसलिए कि जब कोई भीत बनाता है तब वे उसकी कच्ची लेसाई करते हैं उन कच्ची लेसाई करने वाले से कहा कि वह गिर जाएगी क्योंकि बड़े जोर की वर्षा होगी और बड़े बड़े ओले भी गिरेंगे और प्रचंड आंधी उसे गिराएगी सो जब भीत गिर जाएगी तब क्या लोग तुमसे यह न कहेगी कि जो पोतना तुमने किया जो लेसाई तुमने की वह कहा रही इस कारण प्रभु योवा तुमसे यो कहता है मैं जलकर उसको प्रचंड आंधी के द्वारा गिराऊंगा और मेरे कोप से भारी वर्षा होगी और मेरी जलजलाहट से बड़े बड़े ओले गिरेंगे कि भीत को नाश करे इस रीति जिस भीत पर तुमने कच्ची लेसाई की है मैं उसे ढा दूंगा बरन मिट्टी में मिलाऊंगा और उसकी नेव खुल जाएगी और जब वह गिरेगी तब तुम भी उसके नीचे दबकर नाश होगे, और तुम जान लोगे कि मैं यहुआ हूं इस रीति मैं भीत और उसके कच्चे लेसाई करने वाले दोनों पर अपनी जलजलाहट पूर्ण रीति से भड़काऊंगा फिर तुमसे कहूंगा न तो भीत रही और न उनके लेसने वाले रहे अर्थात इसराइल के वे भविष्यवक्ता जो यरूशलेम के विषय में भविष्यवाणी करते और उनकी शांति का दर्शन बताते थे परंतु प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि शांति है ही नहीं फिर हे मनुष्य के संतान तू अपने लोगों की स्त्रियों से विमुख होकर जो अपने ही मन से भविष्यवाणी करती है उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके कहा प्रभु यहोवा यो कहता है जो स्त्रियां हाथ के सब जोड़ों के लिए तकिया सीती और प्राणियों का अहेर करने को सब प्रकार के मनुष्यों की आंख ढापने के लिए कपड़े बनाती है उन पर हाय क्या तुम मेरी प्रजा के प्राणों का अहेर करके अपने निज प्राण बचा सकोगी तुमने तो मुट्ठी-मुट्ठी भर जव और रोटी के टुकड़ों के बदले मुझे मेरी प्रजा की दृष्टि में अपवित्र ठहराकर और अपनी उन झूठी बातों के द्वारा जो मेरी प्रजा के लोग तुमसे सुनते हैं जो नाश के योग्य न थे उनको मार डाला और जो बचने के योग्य न थे उनके प्राणों को बचा रखा है इस कारण प्रभु योवा तुमसे यो कहता है देखो मैं तुम्हारे उन तकियों के विरुद्ध हूं जिनके द्वारा तुम प्राणों का आहेर करती हो इसलिए जिन्हें तुम आहेर कर करके उड़ाती हो उनको मैं तुम्हारी बाह पर से छीन कर उनको छुड़ा दूंगा मैं तुम्हारे सिर के बुरके को फाड़कर अपनी प्रजा के लोगों को तुम्हारे हाथ से छुड़ाऊंगा और आगे को वे तुम्हारे वश में न रहेंगे कि तुम उनका आहेर कर सको तब तुम जान लोगी कि मैं युवा हूं तुमने जो झूठ कहकर धर्मी के मन को उदास किया है यद्यपि मैंने उसको उदास करना नहीं चाहा और तुमने दुष्ट जन को हिया बंधाया है ताकि वह अपने बुरे मार्ग से न फिरे और जीवित रहे इस कारण तुम फिर न तो झूठा दर्शन दिखाओ और न भावी कहोगे क्योंकि मैं अपनी प्रजा को तुम्हारे हाथ से छुड़ाऊंगा तब तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं यह भविष्य की पुस्तक अध्याय भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय चौदह फिर इसराइल के कितने पूर्णिय मेरे पास आकर मेरे सामने बैठ गए तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा हे मनुष्य के संतान इन पुरूषों ने तो अपनी मूर्ति अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछ पाएंगे? सो तू उनसे कह प्रभु यहोवा यो कहता है कि इसराइल के घराने में से जो कोई अपनी मूर्ति अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखकर भविष्यवक्ता के पास आए उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा जिससे इसराइल का घराना जो अपनी मूर्तों के द्वारा मुझे त्याग कर दूर हो गया है उन्हें मैं उन्हीं के मन के द्वारा फंसाऊंगा सो इसराइल के घराने से कह प्रभु यह हुआ यो कहता है फिरो और अपनी मूर्तों को पीठ के पीछे करो और अपने सब घृणित कामों से मुहफ मोड़ो क्योंकि इसराइल के घराने में से और उसके बीच रहने वाले परदेशियों में से भी कोई क्यों न हो जो मेरे पीछे हो लेगा छोड़कर अपनी मूर्ति अपने मन में स्थापित करे और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखे और तब मुझसे अपनी कोई बात पूछने के लिए भविष्यवक्ता के पास आए तो उसको मैं यहोवा आप ही उत्तर दूंगा और मैं उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको विस्मित करूंगा और चिन्ह ठहराऊंगा और उसकी कहावत चलाऊंगा और उसे अपनी प्रजा में से नाश करूंगा तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहुआ हूं और यदि भविष्यवक्ता ने धोखा खाकर कोई वचन कहा हो तो जानो कि मुझ यहुआ ने उस भविष्यवक्ता को धोखा दिया है और मैं अपना हाथ उसके विरुद्ध बढ़ाकर उसे अपनी प्रजा इसराइल में से नाश करूंगा वे सब लोग अपने अपने अधर्म का बोझ उठाएंगे अर्थात जैसा भविष्यवक्ता से पूछने वाले का अधर्म ठहरेगा वैसा ही भविष्यवक्ता का भी अधर्म ठहरेगा कोई इसराइल का घराना आगे को मेरे पीछे हो लेना न छोड़े और अपने भांति के अपराधों के द्वारा आगे को अशुद्ध बने वरन वे मेरी प्रजा बने और मैं उनका परमेश्वर ठहरू प्रभु की यही वाणी है और यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा हे मनुष्य के संतान जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाए और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्नरूपी आधार दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को नाश करो तब चाहे उसमें नूह दानियल और अयूब ये तीनों पुरुष हो तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे प्रभु यहोवा की यही वाणी है यदि मैं किसी देश में दुष्ट जंतु भेजू जो उसको निर्जन करके उजाड़ कर डाले और जंतुओं के कारण कोई उसमें होकर न जाए तो चाहे उसमें वे तीन पुरुष हो तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है मेरे जीवन की सौगंध न वे पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे वे ही अकेले बचेंगे परंतु देश उजाड़ हो जाएगा और यदि मैं उस देश पर तलवार खींचकर कहूं हे तलवार उस देश में चल और इस रीति मैं उसमें से मनुष्य और पशु नाश करूं तब चाहे उसमें वे तीन पुरुष भी हो तो भी प्रभु योवा की यह वाणी है मेरे जीवन की सौगंध न तो वे पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे वे ही अकेले बचेंगे यदि मैं उस देश में मरी फ़ैलाऊं और उस पर अपनी जलजलाहट भड़काकर उसका लोहू ऐसा बहाऊ कि वहां के मनुष्य और पशु दोनों नाश हो तो चाहे नूह दानियल और अयुब भी उसमें हो तो भी प्रभु यहोवा की यह वानी है मेरे जीवन की सौगंध वे न तो पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे अपने धर्म के द्वारा वे केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे क्योंकि प्रभु यह हुआ यो कहता है मैं यरूशलेम पर चारों दंड पहुंचाऊंगा अर्थात तलवार अकाल दुष्ट जंतु और मरी जिनसे मनुष्य और पशु सब उसमें से नाश हो तो भी उसमें से थोड़े से पुत्र पुत्रियां बचेंगी जो वहां से निकलकर तुम्हारे पास पहुंचाई जाएगी और तुम उनके चाल चलन और कामों को देखकर उस विपत्ति के विषय में जो मैं यरूशलेम पर डालूंगा वरन जितनी विपत्ति मैं उस पर डालूंगा उस सब के विषय में शांति पाओगे जब तुम उनका चाल चलन और काम देखो तब वे तुम्हारी शांति के कारण होंगे और तुम जान लोगे कि मैंने यरूशलेम में जो कुछ किया वह बिना कारण नहीं किया प्रभु ये हुआ कि यही वाणी है यह भविष्य वक्ता की पुस्तक अध्याय पंद्रह यह हिचकिल भविष्य वक्ता की पुस्तक अध्याय पन्द्रह फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा हे मनुष्य के संतान सब वृक्षों में अंगूर की लता की क्या श्रेष्ठता है अंगूर की शाखा जो जंगल के पेड़ों के बीच उगती है उसमें क्या गुण है क्या कोई वस्तु बनाने के लिए उसमें से लकड़ी ली जाती व कोई बर्तन टांगने के लिए उसमें से खुंटी बन सकती है वह तो ईंधन बनाकर आग में झोंकी जाती है उसके दोनों सिरे आग से जल जाते और उसके बीच का भाग भस्म हो जाता है क्या वह किसी भी काम की है देख जब वह बनी थी तब भी वह किसी काम की न थी फिर भी जब वह आग का ईंधन होकर भस्म हो गई है तब किस काम की हो सकती है सो प्रभु यहोवा यो कहता है जैसे जंगल के पेड़ों में से मैं अंगूर की लता को आग का ईंधन कर देता हूं वैसे ही मैं यरूशलेम के निवासियों को कर दूंगा मैं उनसे विरुद्ध हूंगा और वे एक आग में से निकलकर फिर दूसरी आग का ईंधन होगे और जब मैं उनसे विमुख हूंगा तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूं और मैं उनका देश उजाड़ दूंगा क्योंकि उन्होंने मुझसे विश्वासघात किया है प्रभु यहोवा की यही वाणी है यह भविष्य की पुस्तक अध्याय यह भविष्य वक्ता की पुस्तक अध्याय सोलह फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा हे मनुष्य के संतान यरूशलेम को उसके सब घृणित काम जता दे और उससे कहा यरूशलेम, प्रभु ये तुझसे यो कहता है तेरा जन्म और तेरी उत्पत्ति कनानियों के देश से हुई तेरा पिता जो एमोरी और तेरी माता हितिन थी और तेरा जन्म ऐसे हुआ कि जिस दिन तू जन्मी उस दिन न तेरा नाल न तू शुद्ध होने के लिए धोई गई न तेरे कुछ लोन मला गया और न तू कुछ कपड़ों में लपेटी गई किसी की दयादृष्टि तुझ पर नहीं हुई कि इन कामों में से तेरे लिए एक भी काम किया जाता बरन अपने जन्म के दिन तू घृणित होने के कारण खुले मैदान में फेंक दी गई थी और जब मैं तेरे पास से होकर निकला और तुझे लोहू से लौटते हुए देखा तब मैंने तुझसे कहा हे लोहू में लौटती हुई जीवित रह हां तुझी से मैंने कहा हे लोह में लौटती हुई जीवित रहा कि मैंने तुझे खेत के बिरुले की नाई बढ़ाया और तू बढ़ते बढ़ते बड़ी हो गई और अति सुंदर हो गई तेरी छातियां सुडोल हुई और तेरे बाल बढ़े तो भी तू नंगी थी मैंने फिर तेरे पास से होकर जाते हुए तुझे देखा और अब तू पूरी स्त्री हो गई थी सो मैंने तुझे अपना वस्त्र उड़ाकर तेरा तन ढाप दिया और सौगंध खाकर तुझसे वाचा बांधी और तू मेरी हो गई प्रभु यह हुआ कि यही वाणी है तब मैंने तुझे जल से नहलाकर तुझ पर से लोहू धो दिया और तेरी देह पर तेल मला फिर मैंने तुझे बूटेदार वस्त्र और सुइयों के चमड़े की जूतियां पहनाई और तेरी कमर में सूक्ष्म सन बांधा और तुझे रेशमी कपड़ा ओढ़ाया तब मैंने तेरा श्रृंगार किया और तेरे हाथों में चूड़िया और गले में तोड़ा पहनाया फिर मैंने तेरी नाक में नथ और तेरे कानों में बालियां पहनाई और तेरे सिर पर शोभायमान मुगुट धरा तेरे आभूषण सोने चांदी के और तेरे वस्त्र सूक्ष्म सन रेशम और बूटेदार कपड़े के बने फिर तेरा भोजन मैदा मधु और तेल हुआ और तू अत्यंत सुंदर बरन रानी होने के योग्य हो गई और तेरी सुंदरता की कीर्ति अन्य जातियों में फैल गई क्योंकि उस प्रताप के कारण जो मैंने अपनी ओर से तुझे दिया था तू अत्यंत सुंदर थी प्रभु होवा की यही वाणी है परंतु तू अपनी सुंदरता पर भरोसा करके अपनी नामवरी के कारण व्यभिचार करने लगी और सब यात्रियों के संग बहुत कुकर्म किया और जो कोई तुझे चाहता था उसी से मिलती थी तूने अपने वस्त्र लेकर रंग बिरंग के ऊंचे स्थान बना लिए और उन पर व्यभिचार किया ऐसे कुकर्म किए जो न कभी हुए और न होंगे और तूने अपने सुशोभित कहने लेकर जो मेरे दिए हुए सोने चांदी के थे उनसे पुरुषों की मूरतें बना ली और उनसे भी व्यविचार करने लगी और अपने बूटेदार वस्त्र लेकर उनको पहनाए और मेरा तेल और मेरा धूप उनके सामने चढ़ाए और जो भोजन मैंने तुझे दिया था अर्थात जो मैदा तेल और मधु मैं तुझे खिलाता था वह सब तूने उनके सामने सुखदायक सुगंध करके रखा प्रभु यह हुआ कि यही वाणी है कि यो ही हुआ फिर तूने अपने पुत्र पुत्रियां लेकर जिन्हें तूने मेरे लिए जन्म दिया उन मूर्तों को नैवेद्य करके चढ़ाया क्या तेरा व्यभिचार ऐसी छोटी बात थी कि तूने मेरे लड़के वाले उन मूर्तों के आगे आग में चढ़ाकर घात किए हैं और तूने अपने सब घृणित कामों में और व्यभिचार करते हुए अपने बचपन के दिनों की कभी सुधी न ली जबकि तू नंगी अपने लोहों में लौटती थी और तेरी उस सारी बुराई के पीछे क्या हुआ प्रभु तो यहा की यह वानी है हाय तुझ पर हाय कि तूने एक गुम्मट बनवा लिया और हर एक चौक में एक ऊंचा स्थान बनवा लिया और एक एक सड़क के सिरे पर भी तूने अपना ऊंचा स्थान बनवाकर अपनी सुंदरता घृणित करा दी और हर एक यात्री को कुकर्म के लिए बुलाकर महाव्यभिचारिणी हो गई तूने अपने पड़ोसी मिस्री लोगों से भी जो मोटे ताजे वे व्यभिचार किया और मुझे क्रोध दिलाने के लिए अपना व्यभिचार बढ़ाती गई इस कारण मैंने अपना हाथ तेरे विरुद्ध बढ़ाकर तेरा प्रतिदिन का खाना घटा दिया और तेरी बैरिन पलिश्ती स्त्रिया जो तेरे महापाप की चाल से लजाती है उनकी इच्छा पर मैंने तुझे छोड़ दिया है फिर भी तेरी तृष्णा न बुझी इसलिए तूने अश्वरी लोगों से भी व्यभिचार किया और उनसे व्यभिचार करने पर भी तेरी तृष्णा न बुझी फिर तू लेन देन के देश में व्यभिचार करते करते कश्तियों के देश तक पहुंची और वहां भी तेरी तृप्ति न बुझी प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि तेरा हृदय कैसा चंचल है कि तू ये सब काम करती है जो निर्लजवेश के काम है तूने हर एक सड़क के सिरे पर जो अपना गुम्मट और हर एक चौक में अपना ऊंचा स्थान बनवाया है क्या इसी में तू वेशा के समान नहीं ठहरी क्योंकि तू ऐसी कमाई पर हंसती है तू व्यभिचारिणी पत्नी है तू पराय पुरुषों को अपने पति की संति ग्रहण करती है सब वेशाओं को तो रूपया मिलता है परंतु तूने अपने सब मित्रों को स्वयं रूपये देकर और उनको लालच दिखाकर बुलाया है कि वे चारों ओर से आकर तुझसे व्यभिचार करें। इस प्रकार तेरा व्यभिचार और व्यभिचारियों से उल्टा है तेरे पीछे कोई व्यभिचारी नहीं चलता और तू किसी से दाम लेती नहीं बरन तू ही देती है इस कारण तू उल्टी ठहरी इस कारण हेवेशा यहोवा का वचन सुन प्रभु यहोवा यो कहता है कि तूने जो व्यभिचार में अति निर्लज होकर अपनी देह अपने मित्रों को दिखाए और अपनी मूर्तों से घृणित काम किए और अपने लड़के बालों का लोहू बहाकर उन्हें बलि चढ़ाया है इस कारण देख मैं तेरे सब मित्रों को जो तेरे प्रेमी हैं और जितनों ने तुझसे प्रीति लगाई और जितनों से तूने बैर रखा उन सबों को चारों ओर से तेरे विरुद्ध इकट्ठा करके उनको तेरी देह नंगी करके दिखाऊंगा और वे तेरा तन देखेंगे तब मैं तुझको ऐसा दंड दूंगा जैसा व्यभिचारणियों और लोहू बहाने वाली स्त्रियों को दिया जाता है और क्रोध और जलन के साथ तेरा लोहू बहाऊंगा इस रीति मैं तुझे उनके वश में कर दूंगा और वे तेरे गुमटों को ढा देंगे और तेरे ऊंचे स्थानों को तोड़ देंगे वे तेरे वस्त्र बरबस उतारेंगे और तेरे सुंदर गहने छीन लेंगे और तुझे नंगा करके छोड़ देंगे तब तेरे विरुद्ध एक सभा इकट्ठी करके वे तुझको पत्थर पत्थरवाह करेंगे और अपनी कटारों से वार पार छेदेंगे तब वे आग लगाकर तेरे घरों को जला देंगे और तुझे बहुत सी स्त्रियों के देखते दंड देंगे और मैं तेरा व्यभिचार बंद कर दूंगा और तू फिर छिनाल के लिए दाम न देगी और जब मैं तुझ पर पूरी जलजलाहट प्रकट कर चुकूंगा तब तुझ पर और न जलूंगा बरन शांत हो जाऊंगा और फिर न रिसियाऊंगा तूने जो अपने बचपन के दिन स्मरण नहीं रखे बरन इन सब बातों के द्वारा मुझे चिढ़ाया इस कारण मैं तेरा चाल चलन तेरे सिर पर डालूंगा और तू अपने सब पिछले घृणित कामों से और अधिक महापाप न करेगी प्रभु यहोवा की यही वाणी है देख सब कहावत कहने वाले तेरे विषय यह कहावत कहेंगे कि जैसी मां वैसी पुत्री तेरी मां जो अपने पति और लड़के बालों से घृणा करती थी तू भी ठीक उसकी पुत्री ठहरी और तेरी बहने जो अपने अपने पति और लड़के बालों से घृणा करती थी तू भी ठीक उनकी बहन निकली तेरी माता हितिन और पिता एमोरी था तेरी बड़ी बहन शोमरोन है जो अपनी पुत्रियों समेत तेरी बाई ओर रहती है और तेरी छोटी बहन जो तेरी दहिनी ओर रहती है वह पुत्रियों समेत सदोम है तू उनकी सी चाल नहीं चली और न उनके से घृणित कामों से ही संतुष्ट हुई यह तो बहुत ही छोटी बात ठहरती। परंतु तेरा सारा चाल चलन उनसे भी अधिक बिगड़ गया प्रभु होवा की यह वाणी है मेरे जीवन की सौगंध तेरी बहन सदोम ने अपनी पुत्रियों समेत तेरे और तेरी पुत्रियों के समान काम नहीं किए। देख तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती पेट भर भर के खाती और सुख चैन से रहती थी और दीन दरिद्र को न संभालती थी सो वह गर्व करके मेरे सामने घृणित काम करने लगी और यह देखकर मैंने उन्हें दूर कर दिया फिर शोमरोन ने तेरे पापों के आधे भी पाप नहीं किए, तूने तो उससे बढ़कर घृणित काम किए और अपने घोर घृणित कामों के द्वारा अपनी बहन को जीत लिया सो तूने जो अपनी बहनों का न्याय किया इस कारण लज्जित हो क्योंकि तूने उनसे बढ़कर घृणित पाप किया है इस कारण वे तुझसे कम दोषी ठहरी सो तू तो इस बात से लज्जा कर और लजाती रही क्योंकि तूने अपनी बहनों को कम दोषी ठहराया है जब मैं उनको अर्थात पुत्रियों सहित सदोम और शोमरोन को बंधुआई से फेर लाऊंगा तब उनके बीच ही तेरे बंधुओं को भी फेर लाऊंगा जिससे तू लजाती रहे और अपने सब कामों को देखकर लजाए, क्योंकि तू उनकी शांति ही का कारण हुई है और तेरी बहनें सदोम और शोमरोन अपनी अपनी पुत्रियों समेत अपनी पहली दशा को फिर पहुंचेगी और तू भी अपनी पुत्रियों सहित अपनी पहली दशा को फिर पहुंचेगी जब तक तेरी बुराई प्रकट न हुई थी अर्थात जिस समय तक तू आसपास के लोगों समेत आरामी और पलिश्ती स्त्रियों की जो अब चारों ओर से तुझे तुच्छ जानती है नामधराई करती थी उन अपने घमंड के दिनों में तो तू अपनी बहन सदोम का नाम भी न लेती थी परंतु अब तुझको अपने महापाप और घृणित कामों का भार आप ही उठाना पड़ेगा यहोवा की यह वाणी है प्रभु यहोवा यह कहता है मैं तेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करूंगा जैसा तूने किया है क्योंकि तूने तो वाचा तोड़कर शपथ तुच्छ जानी तब तो भी मैं तेरे बचपन के दिनों की अपनी वाचा स्मरण करूंगा और तेरे साथ सदा की वाचा बांधूंगा और जब तू अपनी बहनों अर्थात अपनी बड़ी और छोटी बहनों को ग्रहण करे तब तू अपना चाल चलन स्मरण करके लज्जित होगी और मैं उन्हें तेरी पुत्रिया ठहराऊंगा परंतु यह तेरी वाचा के अनुसार न करूंगा मैं तेरे साथ अपनी वाचा स्थिर करूंगा और तब तू जान लेगी कि मैं यहोवा हूं जिससे तू स्मरण करके लज्जित हो और लज्जा के मारे फिर कभी मुंह न खोले यह उस समय होगा जब मैं तेरे सब कामों को ढापूंगा प्रभु यहोवा की यही वाणी है यह स्केल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय यह स्केल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा हे मनुष्य के संतान इसराइल के घराने से यह पहली और दृष्टांत कह प्रभु यहोवा यो कहता है एक लंबे पंख वाले परों से भरे और रंग बिरंगे बड़े उका पक्षी ने लबानों जाकर एक देवदार की फुनगी नोच ली तब उसने उस फुनगी की सबसे ऊपर की पतली टहनी को तोड़ दिया और उसे लेन देन करने वालों के देश में ले जाकर व्यापारियों के एक नगर में लगाया तब उसने देश का कुछ बीज लेकर एक उपजाऊ खेती में बोया और उसे बहुत जल भरे स्थान में मजनू की नाई लगाया और वह उगकर छोटी फैलने वाली अंगूर की लता हो गई जिसकी डालियां उसकी ओर झुकी और उसकी सोर उसके नीचे फैली इस प्रकार से वह अंगूर की लता होकर कनखा फोड़ने और पत्तों से भरने लगी फिर और एक लंबे पंख वाला और परों से भरा हुआ बड़ा उकाप पक्षी था और वह अंगूर की लता उस स्थान से जहां वह लगाई गई थी उस दूसरे उकाप की ओर अपनी सोर फैलाने और अपनी डालियां झुकाने लगी कि वह उसे खींचा करे परंतु वह तो इसलिए अच्छी भूमि में बहुत जल के पास लगाई गई थी कि कनखाए फोड़े और फले और उत्तम अंगूर की लता बने सो तू यह कह कि प्रभु यह यो कहता है क्या वह फूले फलेगी क्या वह उसको जड़ से न उखाड़ेगा और उसके फलों को न झाड़ डालेगा कि वह अपनी सब हरी नई पत्तियों समेत सूख जाए इसे जड़ से उखाड़ने के लिए अधिक बल और बहुत से मनुष्यों की आवश्यकता न होगी चाहे वह लगी भी रहे तब भी क्या वह फूले फलेगी जब पुरवाई उसे लगे तब क्या वह बिल्कुल सूख न जाएगी वह तो जहां उगी है उसी क्यारी में सूख जाएगी फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा उस बलवा करने वाले घराने से कहा क्या तुम इन बातों का अर्थ नहीं समझते फिर उनसे कहा बाबुल के राजा ने यरूशलेम को जाकर उसके राजा और और प्रधानों को लेकर अपने यहां बाबुल में पहुंचाया तब राजवंश में से एक पुरुष को लेकर उससे वाचा बांधी और उसको वश में रहने की शपथ खिलाई और देश के सामर्थ्य पुरुषों को ले लिया कि वह राज्य निर्बल रहे और सिर न उठा सके वरन वाचा पालने में स्थिर रहे तभी इसने घोड़े और बड़ी सेना मांगने को अपने दूत मिस्र देश में भेजकर उससे बलवा किया क्या वह फूले फलेगा क्या ऐसे कामों का करने वाला बचेगा क्या वह अपनी वाचा तोड़ने पर भी बच जाएगा प्रभु यहोवा यो कहता है मेरे जीवन की सौगंध जिस राजा की खिलाई हुई शपथ उसने तुच्छ जानी और जिसकी वाचा उसने तोड़ी उसके यहां जिसने उसे राजा बनाया था अर्थात बाबुल में ही वह उसके पास ही मर जाएगा और जब वे बहुत से प्राणियों को नाश करने के लिए दमदमा बांधे और गढ़ बनाए तब फिर अपनी बड़ी सेना और बहुतों की मंडली रहते भी युद्ध में उसकी सहायता न करेगा क्योंकि उसने शपथ को तुच्छ जाना और वाचा को तोड़ा देखो उसने वचन देने पर भी ऐसे ऐसे काम किए हैं, सो वह बचने न पाएगा प्रभु यहोवा यो कहता है कि मेरे जीवन की सवगंध उसने मेरी शपथ तुच्छ जानी और मेरी वाचा तोड़ी है यह पाप मैं उसी के सिर पर डालूंगा और मैं अपना जाल उस पर फैलाऊंगा और वह मेरे फंदे में फंसेगा और मैं उसको बाबुल में पहुंचाकर उस विश्वासघात का मुकदमा उससे लड़ूंगा जो उसने मुझसे किया है और उसके सब दलों में से जितने भागे वे सब तलवार से मारे जाएंगे और जो रह जाए सो चारों दिशाओं में तीतर बीतर हो जाएंगे तब तुम लोग जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने ऐसा कहा है फिर प्रभु यहोवा यो कहता है मैं भी देवदार की ऊंची फुनगी में से कुछ लेकर लगाऊंगा और उसकी सबसे ऊपर वाली कनखाओं में से एक कोमल कनखा तोड़कर एक अति ऊंचे पर्वत पर लगाऊंगा अर्थात इसराइल के ऊंचे पर्वत पर लगाऊंगा सो वह डालिया फोड़कर बलवंत और उत्तम देवदार बन जाएगा और उसके नीचे अर्थात उसकी डालियों की छाया में भांति-भांति के सब पक्षी बसेरा करेंगे तब मैदान के सब वृक्ष जान लेंगे कि मुझ ही ने ऊंचे वृक्ष को नीचा और नीचे वृक्ष को ऊंचा किया हरे वृक्ष को सुखा दिया और सूखे वृक्ष को फुलाया फलाया है मुझ यहोवा ही ने यह कहा और वैसा ही कर भी दिया है यह भविष्य वक्ता की पुस्तक अध्याय अठारह यहेज केल भविष्य वक्ता की पुस्तक अध्याय अठारह फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा तुम लोग जो इसराइल देश के विषय में यह कहावत कहते हो कि जंगली अंगूर तो पुरखा लोग खाते परंतु दांत खट्टे होते हैं लड़के बालों के इसका क्या अर्थ है प्रभु यह यो कहता है कि मेरे जीवन की शपथ तुमको इसराइल में फिर यह कहावत कहने का अवसर न मिलेगा देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है दोनों मेरे ही है इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा जो कोई धर्मी हो और न्याय और धर्म के काम करे और न तो पहाड़ों पर भोजन किया हो न इसराइल के घराने की मूर्तों की ओर आंखें उठाई हो न पराई स्त्री को बिगाड़ा हो और न कृतुमति के पास गया हो और न किसी पर अंधेर किया हो वरण कृणी को उसकी बंधक फेर दी हो न किसी को लूटा हो बरन भूखे को अपनी रोटी दी हो और नंगे को कपड़ा ओढ़ाया हो न ब्याज पर रुपया दिया हो न रुपए की ली हो और अपना हाथ कुटिल काम से रोका हो मनुष्य के बीच सच्चाई से न्याय किया हो और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो ऐसा मनुष्य धर्मी है वह निश्चय जीवित रहेगा प्रभु यहोवा की यह वाणी है परंतु यदि उसका पुत्र डाकू हत्यारा व ऊपर कहे हुए पापों में से किसी का करने वाला हो और ऊपर कहे हुए उचित कामों का करने वाला न हो और पहाड़ों पर भोजन किया हो पराई स्त्री को बिगाड़ा हो दीन दरिद्र पर अंधेर किया हो और औरों को लूटा हो बंधक न फेर दी हो मूर्तों की ओर आंख उठाई हो घृणित काम किया हो ब्याज पर रुपया दिया हो और बढ़ती ली हो तो क्या वह जीवित रहेगा वह जीवित न रहेगा इसलिए कि उसने ये सब घिनौने काम किये हैं, वह निश्चय मरेगा और उसका खून उसी के सिर पड़ेगा फिर यदि ऐसे मनुष्य के पुत्र हो वह अपने पिता के ये सब पाप देखकर भय के मारे उनके समान न करता हो अर्थात न तो पहाड़ों पर भोजन किया हो न इसराइल के घरानों की मूर्तों की ओर आंख उठाई हो न परस्त्री को बिगाड़ा हो न किसी पर अंधेर किया हो न कुछ बंधक लिया हो न किसी को लूटा हो बरन अपनी रोटी भूखे को दी हो नंगे को कपड़ा ओढ़ाया हो दिन जन की हानि करने से हाथ रोका हो ब्याज और बढ़ती न ली हो मेरे नियम को माना हो और मेरी विधियों पर चलता हो तो वह अपने पिता के अधर्म के कारण न मरेगा वरन जीवित ही रहेगा उसका पिता जिसने अंधेर किया और लूटा और अपने भाइयों के बीच अनुचित काम किया है वही अपने अधर्म के कारण मर जाएगा तो भी तुम लोग कहते हो क्यों क्या पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता जब पुत्र ने न्याय और धर्म के काम किया हो और मेरी सब विधियों का पालन कर उन पर चला हो तो वह जीवित रहेगा जो प्राणी पाप करे वही मरेगा न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और न पिता पुत्र का धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा परंतु यदि दुष्टजन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे तो वह न मरेगा वह जीवित रहेगा उसने जितने अपराध किए हो उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध न किया जाएगा जो धर्म का काम उसने किया हो उसके कारण वह जीवित रहेगा प्रभु यहोवा की यह वाणी है क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे तो क्या वह जीवित रहेगा जितने धर्म के काम उसने किए हो उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा जो विश्वासघात और पाप उसने किया हो उसके कारण वह मर जाएगा तो भी तुम लोग कहते हो कि प्रभु की गति एक सी नहीं हे इसराइल के घराने देख क्या मेरी गति एक सी नहीं क्या तुम्हारी ही गति अनुचित नहीं है जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम करने लगे तो वह उनके कारण मरेगा अर्थात वह अपने टेढ़े काम ही के कारण मर जाएगा फिर जब दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिर कर न्याय और धर्म के काम करने लगे तो वह अपना प्राण बचाएगा वह जो सोच विचार कर अपने सब अपराधों से फिरा इस कारण न मरेगा जीवित ही रहेगा तो भी इसराइल का घराना कहता है कि प्रभु की गति एक सी नहीं हे इसराइल के घराने क्या मेरी गति एक सी नहीं क्या तुम्हारी ही गति अनुचित नहीं प्रभु यह की यह वाणी है हे इसराइल के घराने मैं तुमसे हरेक मनुष्य का न्याय उसकी चाल चलन के अनुसार ही करूंगा पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर काने का कारण न होगा अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो हे इसराइल के घराने तुम क्यों मरो क्योंकि प्रभु यह हुआ कि यह वानी है जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता इसलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे यह भविष्य की पुस्तक अध्याय उन्नीस यह भविष्य वक्ता की पुस्तक अध्याय उन्नीस और इसराइल के प्रधानों के विषय तू यह विलाप गीत सुना तेरी माता एक कैसी सिंहनी थी वह सिंहों के बीच बैठा करती थी और अपने बच्चों को जवान सिंहों के बीच पालती पोसती थी अपने बच्चों में से उसने एक को पाला और वह जवान सिंह हो गया और अहेर पकड़ना सीख गया उसने मनुष्यों को भी फाड़ खाया और जाति जाति के लोगों ने उसकी चर्चा सुनी और उसे अपने खोदे हुए गड्ढे में फसाया और उसके नकेल डालकर उसे मिस्र देश में ले गए जब उसकी मां ने देखा कि वह धीरज धरे रही तो भी उसकी आशा टूट गई तब अपने एक और बच्चे को लेकर उसने जवान सिंह कर दिया तब वह जवान सिंह होकर सिंहों के बीच चलने फिरने लगा और वह भी अहेर पकड़ना सीख गया और मनुष्यों को भी फाड़ खाया और उसने उनके भवनों को बिगाड़ा और उनके नगरों को उजाड़ उन उसके गरजने के डर के मारे देश और जो कुछ उसमें था सब उजड़ गया तब चारों ओर के जाति जाति के लोग अपने अपने प्रांत से उसके विरुद्ध निकल आये और उसके लिए जाल लगाया और वह उनके खोदे हुए गड्ढे में फंस गया तब वे उसके नकेल डालकर और कटघरे में बंद करके बाबुल के राजा के पास ले गए और गढ़ में बंद किया कि उसका बोल इसराइल के पहाड़ी देश में फिर न सुनाई दे तेरी माता जिससे तू उत्पन्न हुआ वह तीर पर लगी हुई दाखलता के समान थी और गहरे जल के कारण फलों और शाखाओं से भरी हुई थी और प्रभुता करने वालों के राजदंडों के लिए उसमें मोटी मोटी टहनिया थी और उसकी ऊंचाई इतनी हुई कि वह बादलों के बीच तक पहुंची और अपनी बहुत सी डालियों समेत बहुत ही लंबी दिखाई पड़ी तभी तो वह जजलाहट के साथ उखाड़कर भूमि पर गिर गई और उसके फल पुरवाई हवा के लगने से सूख गए और उसकी मोटी टहनिया टूटकर सूख गई और वे आग से भस्म हो गई अब वह जंगल में बरन निर्जल देश में लगाई गई है और उसकी शाखाओं की टहनियों में से आग निकली जिससे उसके फल भस्म हो गए और प्रभुता करने के योग्य राजदंड के लिए उसमें अब कोई मोटी टहनी न रही यही विलापगीत है और यह बना रहेगा। इस वक्त हम पुराने नियम में प्राप्त यह भविष्य की पुस्तक अध्याय 20 को पढ़ रहे हैं। की पुस्तक अध्याय 20। फिर सातवें वर्ष के पांचवें महीने के दसवें दिन को इसराइल के कितने पूर्णीय यहोवा से प्रश्न करने को आए और मेरे सामने बैठ गए तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि हे मनुष्य के संतान इसराइली पुर्णियों से यह कह कि प्रभु यहोवा यो कहता है कि क्या तुम मुझसे प्रश्न करने को आए हो प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध तुम मुझसे प्रश्न करने न पाओगे हे मनुष्य के संतान क्या तू उनका न्याय न करेगा क्या तू उनका न्याय न करेगा उनके पुरखाओं के घिनौने काम उन्हें जता दे और उनसे कहा कि प्रभु यहोआ यो कहता है कि जिस दिन मैंने इसराइल को चुन लिया और याकूब के घराने के वंश से शपथ खाई और मिस्र देश में अपने को उन पर प्रकट किया और उनसे शपथ खाकर कहा मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं उसी दिन मैंने उनसे यह भी शपथ खाई कि मैं तुमको मिस्र देश से निकालकर एक देश में पहुंचाऊंगा जिससे मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है वह सब देशों का शिरोमणि है और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है फिर मैंने उनसे कहा जिन घिनौनी वस्तुओं पर तुम में से एक की आंखें लगी है उन्हें फेंक दो और मिस्र की मूर्तों से अपने को अशुद्ध न करो मैं तो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं परंतु वे मुझसे बिगड़ गए और मेरी सुननी न चाहे, जिन घिनौनी वस्तुओं पर उनकी आंखें लगी थी उनको किसी ने फेंका नहीं और मिस्र की मूर्तों को छोड़ा है तब मैंने कहा मैं यही मिस्र देश के बीच तुम पर अपनी जलजलाहट भड़काऊंगा और पूरा प्रकोप दिखाऊंगा तब तो भी मैंने अपने नाम के निमित्त ऐसा किया कि वह उन जातियों के सामने अपवित्र न ठहरे जिनके बीच वे थे और जिनके देखते हुए मैंने उनको मिस्र देश से निकालने के लिए अपने को उन पर प्रकट किया था मैं उनको मिस्र देश से निकालकर जंगल में ले आया और वहां मैंने उनको अपनी विधियां बताए और अपने नियम बताए कि जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे कि वे जाने कि मैं यहुवा उनका पवित्र करने वाला हूं तब तो भी इसराइल के घराने ने जंगल में मुझसे बलवा किया वे मेरी विधियों पर न चले और मेरे नियमों को तुच्छ जाना जिन्हें यदि मनुष्य माने तो वह उनके कारण जीवित रहेगा और उन्होंने मेरे विश्राम दिन को अति अपवित्र किया तब मैंने कहा मैं जंगल में इन पर अपनी जलजलाहट भड़काकर इनका अंत कर डालूंगा परंतु मैंने अपने नाम के निमित्त ऐसा किया कि वह उन जातियों के सामने जिनके देखते मैं उनको निकालाया था अपवित्र न ठहरे फिर मैंने जंगल में उनसे शपथ खाई कि जो देश मैंने उनको दे दिया और जो सब देशों का शिरोमणि है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है उसमें उन्हें न पहुंचाऊंगा क्योंकि उन्होंने मेरे नियम तुच्छ जाने और मेरी विधियों पर न चले और मेरे विश्राम दिन अपवित्र किए थे इसलिए कि उनका मन अपनी मूर्तों की ओर लगा हुआ था तो भी मैंने उन पर कृपा की दृष्टि की और उनको नाश न किया और न जंगल में पूरी रीति से उनका अंत कर डाला फिर मैंने जंगल में उनके संतान से कहा अपने पुरुखाओं की विधियों पर न चलो न उनकी रीतियों को मानो न उनकी मूर्ति पूछकर अपने को अशुद्ध करो मैं तुम्हारा परमेश्वर यहवा हूं मेरी विधियों पर चलो और मेरे नियमों के मानने में चौकसी करो और मेरे विश्राम दिनों को पवित्र मानो और वे मेरे और तुम्हारे बीच चिन्ह ठहरे जिससे तुम जान जाओ कि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूं परंतु उसकी संतान ने भी मुझसे बलवा किया वे मेरी विधियों पर न चले न मेरे नियमों के मानने में चौकसी की जिन्हें यदि मनुष्य माने तो वह उनके कारण जीवित रहेगा फिर मेरे विश्राम दिनों को उन्होंने अपवित्र किया तब मैंने कहा मैं जंगल में उन पर अपनी जलजलाहड़ भड़काकर अपना प्रकोप दिखाऊंगा तब तो भी मैंने हाथ खींच लिया और अपने नाम के निमित्त ऐसा किया जिससे वह उन जातियों के सामने जिनके देखते हुए मैं उन्हें निकाल आया था अपवित्र न ठहरे फिर मैंने जंगल में उनसे शपथ खाई कि मैं तुम्हें जाति जाति में तितर बितर करूंगा और देश देश में छितरा दूंगा क्योंकि उन्होंने मेरे नियम न माने और मेरी विधियों को तुच्छ जाना और मेरे विश्राम दिनों को अपवित्र किया और अपने पुरखों की मूर्तों की ओर उनकी आंखें लगी रही फिर मैंने उनकी ऐसी विधियां ठहराई जो अच्छी न ठहरे और ऐसी ऐसी रीतियां जिनके कारण वे जीवित न रहे अर्थात वे अपनी सब स्त्रियों के पहलठों को आग में होम करने लगे इस रीति मैंने उन्हें उन्हीं की के द्वारा अशुद्ध किया जिससे उन्हें निर्वंश कर डालो और तब वे जान ले कि मैं यहोवा हूं हे मनुष्य के संतान तू इसराइल के घराने से कहे प्रभु तो यहोआ यो कहता है कि तुम्हारे पुरखाओं ने इसमें भी मेरी निंदा की कि उन्होंने मेरा विश्वासघात किया क्योंकि जब मैंने उनको उस देश में पहुंचाया जिसके उन्हें देने की शपथ मैंने उनसे खाई थी तब वे हर एक ऊंचे टीले और हरेक घने वृक्ष पर दृष्टि करके वहीं अपने मेलबली करने लगे और वहीं रीस दिलाने वाली अपनी भेटे चढ़ाने लगे और वहीं अपना सुखदायक सुगंध द्रव्य जलाने लगे और वहीं अपने तपावन देने लगे तब मैंने उनसे पूछा जिस ऊंचे स्थान को तुम लोग जाते हो उसका क्या प्रयोजन है इससे उसका नाम आज तक बामा कहलाता है इसलिए इसराइल के घराने से कहा प्रभु योवा तुमसे यह पूछता है कि क्या तुम भी अपने पुरखाओं की रीति पर चलकर अशुद्ध बने हो और उनके घिनौने कामों के अनुसार क्या तुम भी व्यभिचारिणी की नाई काम करते हो आज तक जब जब तुम अपनी भेटे चढ़ाते और अपने लड़के वालों को होम करके आग में चढ़ाते हो तब तब तुम अपनी मूर्तों के निमित्त अशुद्ध ठहरते हो हे इसराइल के घराने क्या तुम मुझसे पूछने पाओगे? प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ तुम मुझसे पूछने न पाओगे और जो बात तुम्हारे मन में आती है कि हम काठ और पत्थर के उपासक होकर अन्य जातियों और देश देश के कुलों के समान हो जाएंगे वह किसी भांति पूरी नहीं होने की प्रभु यहोवा यो कहता है कि मेरे जीवन की शपथ निश्चय मैं बली हाथ और बढ़ाई हुई भूजा से और भड़काई हुई जलजलाहट के साथ तुम्हारे ऊपर राज्य करूंगा और मैं बली हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से और भड़काई हुई जलजलाहट के, के साथ तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूंगा और उन देशों में से जिनमें तुम तीतर हो गए थे इकट्ठा करूंगा और मैं तुम्हें देश देश के लोगों के जंगल में से ले जाकर वहां आमने-सामने तुमसे मुकदमा लड़ूंगा जिस प्रकार मैं तुम्हारे पूर्वजों से मिस्र देश देशरूपी जंगल में मुकदमा लड़ता था उसी प्रकार तुमसे मुकदमा लड़ूंगा प्रभु यहोवा की यही वाणी है फिर मैं तुम्हें लाठी के तले चढ़ाऊंगा और तुम्हें वाचा के बंधन में डालूंगा और मैं में से सब बलवाइयों को जो मेरा अपराध करते हैं निकालकर तुम्हें शुद्ध करूंगा और जिस देश में वे टिकते हैं उसमें से मैं उन्हें निकाल दूंगा परंतु इसराइल के देश में घुसने न दूंगा तब तुम जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं और हे इसराइल के घराने तुमसे तो प्रभु यहोवा यो कहता है कि जाकर अपनी अपनी मूर्तों की उपासना करो तो करो और यदि तुम तो मेरी न सुनोगे तो आगे को भी यही किया करो परन्तु मेरे पवित्र नाम को अपनी भेंटो और मूर्तों के द्वारा फिर अपवित्र न करना क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि इसराइल का सारा घराना अपने देश में मेरे पवित्र पर्वत पर इसराइल के ऊंचे पर्वत पर सबका सब मेरी उपासना करेगा वहीं मैं उनसे प्रसन्न हूंगा और मैं वहीं तुम्हारी उठाई हुई भेंटे और चढ़ाई हुई उत्तम उत्तम वस्तुएं और तुम्हारी सब पवित्र की हुई वस्तुएं तुमसे लिया करूंगा जब मैं तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूंगा और उन देशों में से जिनमें तुम तीतर भीतर हुए हो इकट्ठा करूंगा तब तुमको सुखदायक सुगंध जानकर ग्रहण करूंगा और अन्य जातियों के सामने तुम्हारे द्वारा पवित्र ठहराया जाऊंगा और जब मैं तुम्हें इसराइल के देश में पहुंचाऊंगा जिसके देने की शपथ मैंने तुम्हारे पूर्वजों के साथ खाई थी तब तुम जान लोगे कि मैं युवा हूं और वहां तुम अपने चाल चलन और अपने सब कामों को जिनके करने से तुम अशुद्ध हुए हो स्मरण करोगे और अपने सब बुरे कामों के कारण अपनी दृष्टि में घिनव ने ठहरोगे और हे इसराइल के घराने जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बुरे चाल चलन और बिगड़े हुए कामों के अनुसार नहीं परंतु अपने ही नाम के निमित्त बर्ताव करूंगा तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं प्रभु यहोवा की यही वाणी है फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि हे मनुष्य के संतान अपना मुख दक्षिण की ओर कर और दक्षिण की ओर वचन सुना और दक्षिण देश के वन के विषय में भविष्यवाणी कर दक्षिण देश के वन से कहा कि यहोवा का यह वचन सुन प्रभु यहोवा यो कहता है कि मैं तुझमें आग लगाऊंगा और तुझमें क्या हरे क्या सूखे जितने पेड़ है सबको वह भस्म करेगी उसकी धरकती ज्वाला न बुझेगी और उसके कारण दक्षिण से उत्तर तक सबके मुख झुलस जाएंगे तब सब प्राणियों को सूझ पड़ेगा कि यह आग यहोवा की लगाई हुई है और वह कभी न बुझेगी तब मैंने कहा हाय परमेश्वर यहोवा लोग तो मेरे विषय में कहा करते हैं कि क्या वह दृष्टांत ही का कहने वाला नहीं है यह केल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 21। यह भविष्य भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 21। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा हे मनुष्य के संतान अपना मुख यरूशलेम की ओर कर और पवित्र स्थानों की ओर वचन सुना इसराइल देश के विषय में भविष्यवाणी कर और उससे कहा प्रभु यहोवा यो कहता है देख मैं तेरे विरुद्ध हूं और अपनी तलवार मियान में से खींचकर में से धर्मी और अधर्मी दोनों को नाश करूंगा इसलिए कि मैं तुझ में से धर्मी और अधर्मी सबको नाश करने वाला हूं इस कारण मेरी तलवार मियान में से निकलकर दक्षिण से उत्तर तक सब प्राणियों के विरुद्ध चलेगी तब सब प्राणी जान जाएंगे कि यहोवा ने मियान में से अपनी तलवार खींची है और वह उसमें फिर रखी न जाएगी। सोहे मनुष्य के संतान तू आह मार भारी खेद कर और टूटी कमर लेकर लोगों के सामने आह मार और जब वे तुझसे पूछे कि तू क्यों आह मारता है तब कहना समाचार के कारण क्योंकि ऐसी बात आने वाली है कि सबके मन टूट जाएंगे और सबके हाथ ढीले पड़ेंगे सबकी आत्मा बेबस और सबके घुटने निर्बल हो जाएंगे। देखो ऐसी ही बात आने वाली है और वह अवश्य पूरी होगी परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा हे मनुष्य के संतान भविष्यवाणी कर और कहा परमेश्वर यहोवा यो कहता है देख सांच चढ़ाई हुई तलवार और झलकाई हुई तलवार वह इसलिए सांझ चढ़ाई गई कि उससे घात किया जाए और इसलिए झलकाई गई कि बिजली की नाई चमके तो क्या हम हर्षित हो वह तो यहुआ के पुत्र का राजदंड है और सब पेड़ों को तुच्छ जानने वाला है और वह झलकाने को इसलिए दी गई कि हाथ में ली जाए वह इसलिए सांझ चढ़ाई और झलकाई गई कि घात करने वालों के हाथ में दी जाए, हे मनुष्य के संतान चिल्ला और हाय हाय कर क्योंकि वह मेरी प्रजा पर चला चाहती है वह इसराइल के सारे प्रधानों पर चला चाहती है मेरी प्रजा के संग वे भी तलवार के वश में आ गए, इस कारण तू अपनी छाती पीट क्योंकि सचमुच उसकी जांच हुई और यदि उसे तुच्छ जानने वाला राजदंड भी न रहे तो क्या परमेश्वरी हवा की यही वाणी है सोहे मनुष्य के संतान भविष्यवाणी कर और हाथ पर हाथ दे मार और तीन बार तलवार का बल दुगुना किया जाए वह तो घात करने की तलवार बनन बड़े से बड़े के घात करने की तलवार है जिससे कोठरियों में भी कोई नहीं बच सकता मैंने घात करने वाली तलवार को उनके सब फाटकों के विरुद्ध इसलिए चलाया है कि लोगों के मन टूट जाए और वे बहुत ठोकर खाए हाय हाय वह तो बिजली के समान बनाई गई और घात करने को सांच चढ़ाई गई है सिकुड़कर दहनी ऊर्जा फिर तैयार होकर बाई और मुड़, जिधर भी तेरा मुख हो मैं भी ताली बजाऊंगा और अपनी जलजलाहट को ठंडा करूंगा मुझे मुझियहवा ने ऐसा कहा है फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा हे मनुष्य के संतान दो मार्ग ठहरा ले कि बाबुल के राजा की तलवार आए। दोनों मार्ग एक ही देश से निकले फिर एक चिन्हकर अर्थात नगर के मार्ग के सिर पर एक चिन्हकर एक मार्ग ठहरा कि तलवार अम्मोनिय के रब्बा नगर पर और यहूदा देश के गढ़वाले नगर यरूशलेम पर भी चले क्योंकि बाबुल का राजा तिर्मुहाने अर्थात दोनों मार्गों के निकलने के स्थान पर भावी बूझने को खड़ा हुआ है उसने तीरों को हिला दिया और देवताओं से प्रश्न किया और कलेजे को भी देखा उसके दहिने हाथ में यरूशलेम का नाम है कि वह उसकी ओर युद्ध के यंत्र लगाए और गला फाड़कर घात करने की आज्ञा दे और ऊंचे शब्द से ललकारे फाटकों की ओर युद्ध के यंत्र लगाए और दमदमा बांधे और कोट बनाए परंतु लोग तो उस भावी कहने को मिथ्या समझेंगे उन्होंने जो उसकी शपथ खाई है इस कारण वह उनके अधर्म का स्मरण कराकर उन्हें पकड़ लेगा इस कारण प्रभु यहोवा यो कहता है इसलिए कि तुम्हारा अधर्म जो स्मरण किया गया है और तुम्हारे अपराध जो खुल गए हैं क्योंकि तुम्हारे सब कामों में पाप ही पाप दिखाई पड़ा है और तुम स्मरण में आए हो इसलिए तुम उन्हीं से पकड़े जाओगे और हे इसराइल दुष्ट प्रधान तेरा दिन आ गया है अधर्म के अंत का समय पहुंच गया है तेरे विषय में परमेश्वर यहोवा यो कहता है पगड़ी उतार और मुगुट भी उतार दे वह जो कत्यो नहीं रहेगा जो नीचा है उसे ऊंचा कर और जो ऊंचा है उसे नीचा कर मैं उसको उल्टा दूंगा और उलट पुलट कर दूंगा हां उलट दूंगा और जब तक उसका अधिकारी न आए, तब तक वह उल्टा हुआ रहेगा तब मैं उसे दे दूंगा फिर हे मनुष्य के संतान भविष्यवाणी करके कहा कि प्रभु यहोवा अमोनियो और उनकी की हुई नामधराई के विषय में यो कहता है तू यो कह खींची हुई तलवार है वह तलवार घात के लिए झलकाई हुई है कि नाश करे और बिजली के समान हो जब तक कि वे तेरे विषय में झूठे दर्शन पाते और झूठे भावी तुझको बताते हैं कि तू उन दुष्ट असाध्य घायलों की गर्दनों पर पड़े जिनका दिन आ गया और जिनके अधर्म के अंत का समय आ पहुंचा है उसको म्यान में रख जिस सांस में तू सिर जी गई और जिस देश में तेरी उत्पत्ति हुई उसी में मैं तेरा न्याय करूंगा और मैं तुझ पर अपना क्रोध भड़काऊंगा और तुझ पर अपनी जलजलाहट की आग फूक दूंगा और तुझे पशु सरीखे मनुष्य के हाथ कर दूंगा जो नाश करने में निपुण है तू आग का कौर होगी तेरा खून देश में बना रहेगा तू स्मरण में न रहेगी क्योंकि मुझ यहोवा ही ने ऐसा कहा है यह भविष्य की पुस्तक अध्याय बाईस यह भविष्य वक्ता की पुस्तक अध्याय बाईस और यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा हे मनुष्य के संतान क्या तू उस हत्यारे नगर का न्याय न करेगा क्या तू उसका न्याय न करेगा उसको उसके सब घिनौने काम जता दे और कहा परमेश्वर यहोवा यो कहता है हे नगर तू अपने बीच में हत्या करता है जिससे तेरा समय आए, और अपनी ही हानि करने और अशुद्ध होने के लिए मूर्ति बनाता है जो हत्या तूने की है उससे तू दोषी ठहरी और जो मूर्ति तूने बनाई है उनके कारण तू अशुद्ध हो गई है तूने अपने अंत के दिन को समीप कर दिया है और अपने पिछले वर्षों तक पहुंच गई है इस कारण मैंने तुझे जाति जाति के लोगों की ओर से नामधराई का और सब देशों में ठट्टे का कारण कर दिया है हे बदनाम हे हुल्लड़ से भरे हुए नगर जो निकट और जो दूर है वे सब तुझे ठट्टों में उड़ाएंगे देख इसराइल के प्रधान लोग अपने अपने बल के अनुसार तुझ में हत्या करने वाले हुए है में माता पिता तुच्छ जाने गए हैं तेरे बीच परदेशी पर अंधेर किया गया है और अनाथ और विधवा में पीसी गई है तूने मेरी पवित्र वस्तु को तुच्छ जाना और मेरे विश्राम दिन को अपवित्र किया है तुझ में लुच्चे लोग हत्या करने को तत्पर हुए और तेरे लोगों ने पहाड़ों पर भोजन किया है तेरे बीच महापाप किया गया है तुझ में पिता की देह उघारी गई तुझ में कृतुमती स्त्री से भी भोग किया गया है किसी ने तुझमें पड़ोसी की स्त्री के साथ घिनौना काम किया और किसी ने अपनी बहू को बिगाड़कर महापाप किया है और किसी ने अपनी बहन अर्थात अपने पिता की बेटी को भ्रष्ट किया है तुझमें हत्या करने के लिए उन्होंने घूस ली है तूने ब्याज और सूद लिया और अपने पड़ोसियों को पीस पीस कर अन्याय से लाभ उठाया और मुझको तूने भुला दिया है यहोवा की यही वाणी है सो देख जो लाभ तूने अन्याय से उठाया और अपने बीच हत्या की है उससे मैंने हाथ पर हाथ दे मारा है सो जिन दिनों मैं तेरा न्याय करूं क्या उसमें तेरा हृदय दृढ़ और तेरे हाथ स्थिर रहेंगे मुझे हवा ने यह कहा है और ऐसा ही करूंगा मैं तेरे लोगों को जाति जाति में तीतर बीतर करूंगा और देश देश में छितरा दूंगा और तेरी अशुद्धता को में से नाश करूंगा और तू जाति जाति के देखते हुए अपनी ही दृष्टि में अपवित्र ठहरेगी तब तू जान लेगी कि मैं यहोवा हूं फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा हे मनुष्य के संतान इसराइल का घराना मेरी दृष्टि में धातु का मैल हो गया है वे सब के सब भट्टी के बीच के पीतल और रांगे और लोहे और शीशे के समान बन गए वे चांदी के मैल के समान हो गए हैं इस कारण प्रभु यह उनसे यो कहता है इसलिए कि तुम सब के सब धातु के मैल के समान बन गए हो सो देखो मैं तुमको यरूशलेम के भीतर इकट्ठा करने पर हूं जैसे लोग चांदी पीतल लोहा शीशा और रांगा इसलिए भट्टी के भीतर बटोर कर रखते हैं कि उसे आंख फूंक कर पीलाए वैसे ही मैं तुमको अपने कोप और जल जलाहट से इकट्ठा करके वहीं रखकर पिघला दूंगा मैं तुमको वहां बटोरकर अपने रोष की आग से फूकूंगा और तुम उसके बीच पिघलाए जाओगे जैसे चांदी भट्टी के बीच में पिघलाई जाती है वैसे ही तुम उसके बीच में पिघलाए जाओगे जब तुम जान लोगे कि जिसने हम पर अपनी जल जलाहट भड़काई है वह यहोवा है फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा हे मनुष्य के संतान उस देश से कहा तू ऐसा देश है जो शुद्ध नहीं हुआ और जलजलाहट के दिन में तुझ पर वर्षा नहीं हुई तेरे भविष्यवक्ताओं ने तुझ में राजद्रोह की गोष्ठी की उन्होंने गरजने वाले सिंह की नाई आहेर पकड़ा और प्राणियों को खा डाला है वे रखे हुए अनमोल धन को छीन लेते हैं और तुझ में बहुत स्त्रियों को विधवा कर दिया है उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खाच कर लगाया है और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना और न औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया है और वे मेरे विश्राम दिन के विषय में निश्चिंत रहते हैं जिससे मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूं उसके प्रधान हुंडारों की नाई अहेर पकड़ते और अन्याय से लाभ उठाने के लिए हत्या करते हैं और प्राणघात करने को तत्पर रहते हैं और उसके भविष्य वक्ता उनके लिए कई लेसाई करते हैं उनका दर्शन पाना मिथ्या है यहोवा के बिना कुछ कहे भी वे यह कहकर झूठी भावी बताते हैं कि प्रभु यहोवा यो कहता है देश के साधारण लोग भी अंधेर करते और पराया धन छीनते हैं वे दीन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेशी पर अंधेर करते हैं। और मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश न करना पड़े परंतु ऐसा कोई न मिला इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया और अपनी जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया है मैंने उनकी चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी है परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है यह स्केल भविष्य वक्ता की पुस्तक अध्याय तेईस यह स्केल भविष्य वक्ता की पुस्तक अध्याय तेईस यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा हे मनुष्य के संतान दो स्त्रिया थी जो एक ही मां की बेटी थी वे अपने बचपन ही में वेशा का काम मिस्र में करने लगी उनकी छातियां कुवारपन में पहले वहीं मिंजी गई और उनका मर्दन भी हुआ उन लड़कियों में से बड़ी का नाम ओहोला था और उसकी बहन का नाम ओहोलिबा था वे मेरी हो गई और उनके पुत्र पुत्रिया उत्पन्न हुए उनके नामों में से ओहोला तो शोमरोन और ओहोलिबा यरूशलेम है ओहोला जब मेरी थी तब ही वे होकर अपने मित्रों पर मोहित होने लगी जो उसके पड़ोसी अशुरी थे वे तो सबके सब, सब नीले वस्त्र पहनने वाले मनभावने जवान अधिपति और प्रधान थे और घोड़ों पर सवार थे सो उसने उन्हीं के साथ व्यभिचार किया जो सबके सब सर्वोत्तम सब अशुरी थे और जिस किसी पर वह मोहित हुए उसी की मूर्तों से वह अशुद्ध हुए जो व्यभिचार उसने मिश्र में सीखा उसको भी उसने न छोड़ा क्योंकि बचपन में मनुष्यों ने उसके साथ कुकर्म किया और उसकी छातियां मिंजी और तनमन से उसके साथ व्यभिचार किया गया था इस कारण मैंने उसको उन्हीं अशुरी मित्रों के हाथ कर दिया जिन पर वह मोहित हुई थी उन्होंने उसको नंगी किया उसके पुत्र पुत्रियां छीनकर उसको तलवार से घात किया इस प्रकार उनके हाथ से दंड पाकर वह स्त्रियों में प्रसिद्ध हो गई उसकी ओहलिबा ने यह देखा तो भी वह मोहित होकर वे विचार करने में अपनी बहन से भी अधिक बढ़ गई वह अपने अश्वरी पड़ोसियों पर मोहित होती थी जो सबके सब अति सब सुंदर वस्त्र पहनने वाले और घोड़ों के सवार मनभावने जवान अधिपति और, और प्रकार के प्रधान थे तब मैंने देखा कि वह भी अशुद्ध हो गई उन दोनों बहनों की एक ही चाल थी परंतु ओहोलीबा अधिक व्यभिचार करती गई सो जब उसने भीत पर सिंदूर से खींचे हुए ऐसे कस्ती पुरुषों के चित्र देखे जो कटी में फेटे बांधे हुए सिर में छोर लटकती हुई रंगीली पगड़ियां पहने हुए और सबके सब अपनी कश्ती जन्मभूमि अर्थात बाबुल के लोगों की रीति पर प्रधानों का रूप धरे हुए थे तब उनको देखते ही वह उन पर मोहित हुई और उनके पास कश्तियों के देश में दूध भेजे सो बाबुली लोग उसके पास पलंग पर आए और उसके साथ व्यभिचार करके उसे अशुद्ध किया और जब वह उनसे अशुद्ध हो गई तब उसका मन उनसे फिर गया तो भी जब वह तन उघाड़ती और व्यभिचार करती गई तब मेरा मन जैसे उसकी बहन से फिर गया था वैसे ही उससे भी फिर गया इस पर भी वह मिस्र देश के अपने बचपन के दिन स्मरण करके जब वह वेशा का काम करती थी और अधिक व्यभिचार करती गई और ऐसे मित्रों पर मोहित हुए जिनका मांस गद्दों का सा और वीरिय घोड़ों का सा था तो इस प्रकार से अपने बचपन के उस समय के महापाप का स्मरण करती है जब मिस्री लोग तेरी छातियां मिंजते थे इस कारण हे ओहली परमेश्वर हुआ तुझसे यो कहता है देख मैं तेरे मित्रों को उभार कर जिनसे तेरा मन फिर गया चारों ओर से तेरे विरुद्ध ले आऊंगा अर्थात बाबुलियों और सबकियों को और पकोद शो और कोआ के लोगों को और उनके साथ सब आश्चूर्यों को लाऊंगा जो सबके सब घोड़ों के, सब के सवार मनभावने जवान अधिपति और कई प्रकार के प्रतिनिधि प्रधान और नामी पुरुष हैं वे लोग हथियार रथ छकड़े और देश देश के लोगों का दल लिए हुए तुझ पर चढ़ाई करेंगे और ढाल और फरी और टोप धारण किए हुए तेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधेंगे और मैं उन्हीं के हाथ न्याय का काम सौंपूंगा और वे अपने अपने नियम के अनुसार तेरा न्याय करेंगे और मैं तुझ पर जलूंगा जिससे वे जलजलाहट के साथ तुझसे बर्ताव करेंगे वे तेरी नाक और कान काट लेंगे और तेरा जो भी बचा रहेगा वह तलवार से मारा जाएगा, वे तेरे पुत्र पुत्रियों को छीन ले जाएंगे और तेरा जो भी बचा रहेगा वह आग से भस्म हो जाएगा वे तेरे वस्त्र भी उतारकर तेरे सुंदर सुंदर गहने छीन ले जाएंगे इस रीति से मैं तेरा महापाप और जो वेशा काम तूने मिस्र देश में सीखा था उसे भी तुझसे छुड़ाऊंगा यहां तक कि तू अपनी आंख उनकी ओर न लगाएगी और न मिस्र देश को फिर स्मरण करेंगी क्योंकि प्रभु यह हुआ तुझसे यो कहता है देख मैं तुझे उनके हाथ सौंपूंगा जिनसे तू बैर रखती है और जिनसे तेरा मन फिर गया है और वे तुझसे बैर के साथ बर्ताव करेंगे और तेरी सारी कमाई को उठा लेंगे और तुझे नंगा करके छोड़ देंगे और तेरे तन के उड़े जाने से तेरा व्यभिचार और महापाप प्रकट हो जाएगा ये काम तुझसे इस कारण किए जाएंगे क्योंकि तू अन्य जातियों के पीछे व्यभिचारिणी की नाई हो गई और उनकी मूर्ति पूछकर अशुद्ध हो गई है तू अपनी बहन की लीक पर चली है इस कारण मैं तेरे हाथ में उसका सा कटोरा दूंगा प्रभु यहोवा यो कहता है अपनी बहिन के कटोरे से तुझे पीना पड़ेगा जो गहरा और चौड़ा है तू हसी और ठट्टों में उड़ाई जाएगी क्योंकि उस कटोरे में बहुत कुछ समाता है तू मतवालेपन और दुख से छक जाएगी तू अपनी बहन शोमरोन के कटोरे को अर्थात विस्मय और उजाड़ को पीकर छक जाएगी उसमें से तू गार, गार कर पिएगी और उसके ठीकरियों को भी चबाएगी और अपनी छातियां घायल करेगी क्योंकि महीने ऐसा कहा है प्रभु यहोवा की यही वाणी है तूने जो मुझे भुला दिया है और अपना मुंह मुझसे ऐसा फेर लिया है इसलिए तू आप ही अपने महापाप और व्यभिचार का भार उठा परमेश्वर यहोवा का यही वचन है यहोवा ने मुझसे कहा हे मनुष्य के संतान क्या तू ओहोला और ओहोलिबा का न्याय करेगा तो फिर उनके घिनौने काम उन्हें जता दे क्योंकि उन्होंने व्यभिचार किया है और उनके हाथों में खून लगा है उन्होंने अपनी मूर्तों के साथ व्यभिचार किया और अपने लड़के बाले जो मुझसे उत्पन्न हुए थे उनको मूर्तों के आगे भस्म होने के लिए चढ़ाया फिर उन्होंने मुझसे ऐसा बर्ताव किया कि उसी के साथ मेरे पवित्र स्थान को भी अशुद्ध किया और मेरे विश्राम दिन को अपवित्र किया है वे अपने लड़के वाले अपनी मूर्तों के सामने बलि चढ़ाकर उसी दिन मेरा पवित्र स्थान अपवित्र करने को उसमें घुसी। देख उन्होंने इस भांति का काम मेरे भवन के भीतर किया है और उन्होंने दूर से पुरुषों को बुलवा भेजा और वे चले भी आए। उनके लिए तू नहा धो आंखों में अंजन लगा गहने पहनकर सुंदर पलंग पर बैठी रही और तेरे सामने एक मेज बिछी हुई थी जिस पर तूने मेरा धूप और मेरा तेल रखा था तब उसके साथ निश्चिंत लोगों की भीड़ का कोलाहल सुन पड़ा और उन साधारण लोगों के पास जंगल से बुलाए हुए पियक्कड़ लोग भी थे उन्होंने उन दोनों बहनों के हाथों में चूड़िया पहनाई और उनके सिरों पर शोभायमान मुगुट रखे तब जो व्यभिचार करते करते बुढ़िया हो गई थी उनके विषय मैं बोल उठा अब तो वे उसी के साथ व्यभिचार करेंगे क्योंकि वे उसके पास ऐसे गए, जैसे लोग वेशा के पास जाते हैं वैसे ही वे ओहोला और ओहोलिबा नाम महापापिनी स्त्रियों के पास गए। सो धर्मी लोग व्यविचारिणियों और हत्यारों के योग्य उनका न्याय करें क्योंकि वे व्यविचारिणी हैं और उनके हाथों में खून लगा है इस कारण परमेश्वर यहोवा यो कहता है मैं एक भीड़ से उन पर चढ़ाई करके उन्हें ऐसा करूंगा कि वे मारी मारी फिरेंगी और लूटी जाएगी और उस भीड़ के लोग उनको पत्थर पत्थरवा करके उन्हें अपनी तलवार से काट डालेंगे तब वे उनके पुत्र पुत्रियों को घात करके उनके घर भी आग लगाकर फूंक देंगे इस प्रकार मैं महापाप को देश में से दूर करूंगा और सब स्त्रियां शिक्षा पाकर तुम्हारा सा महापाप करने से बची रहेंगी तुम्हारा महापाप तुम्हारे ही सिर पर पड़ेगा और तुम निश्चय अपनी मूर्तों की पूजा के पापों का भार उठाओगे और तब तुम जान लोगे कि मैं परमेश्वर यह हूं भविष्य वक्ता की पुस्तक अध्याय यह हेज भविष्य वक्ता की पुस्तक अध्याय 24। नवे वर्ष के दसवें महीने के दसवें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा हे मनुष्य के संतान आज का दिन लिख रख क्योंकि आज ही के दिन बाबुल के राजा ने यरूशलेम आग घेरा है और इस बलवाई घराने से यह दृष्टांत कहा प्रभु यहोवा कहता है हंडे को आग पर धर दो उसे धरकर उसमें पानी डाल दो तब उसमें जांग कंधा और सब अच्छे अच्छे टुकड़े बटोर कर रखो और उसे उत्तम उत्तम हड्डियों से भर दो झुंड में से सबसे अच्छे पशु लेकर उन हड्डियों को हंडे के नीचे ढेर करो और उनको भली भांति पकाओ ताकि भीतर की हड्डियां भी पक जाए इसलिए प्रभु यहोवा यो कहता है हाय उस हत्यारी नगरी पर हाय उस हंडे पर जिसका मोर्चा उसमें बना है और छूटा नहीं उसमें से टुकड़ा टुकडा करके निकाल लो उस पर चिट्ठी न डाली जाए क्योंकि उस नगरी में किया हुआ खून उसमें है उसने उसे भूमि पर डालकर धूली में नहीं ढापा, परंतु नंगी चट्टान पर रख दिया इसलिए मैंने भी उसका खून नंगी चट्टान पर रखा है कि वह ढप न सके और की बदला लेने को जलजलाहट भड़के प्रभु युवा यो कहता है हाय उस खूनी नगरी पर मैं भी ढेर को बड़ा करूंगा और अधिक लकड़ी डाल आग को बहुत तेज कर मांस को भली भांति पका और मसाला मिला और हड्डियां भी जला दो तब हंडे को छूछा करके अंगारों पर रख जिससे वह गर्म हो और उसका पीतल जले और उसमें का मैल गले और उसका मोर्चा नष्ट हो जाए। मैं उसके कारण परिश्रम करते करते थक गया परंतु उसका भारी मोर्चा उससे छूटता नहीं उसका मोर्चा आग के द्वारा भी नहीं छूटता हे नगरी तेरी अशुद्धता महापापी की है मैं तो तुझे शुद्ध करना चाहता हूं परंतु तू शुद्ध नहीं हुए इस कारण जब तक मैं अपनी जलजलाहट तुझ पर शांत न कर दू तब तक तू फिर शुद्ध न की जाएगी प्रभु यहोवा ही ने यह कहा है और वह हो जाएगा मैं ऐसा ही करूंगा मैं तुझे न छोडूंगा न तुझ पर तरस खाऊंगा न पछताऊंगा तेरे चाल चलन और कामों ही के अनुसार तेरा न्याय किया जाएगा प्रभु यहोवा की यही वाणी है यहोवा का यह वचन भी मेरे पास पहुंचा हे मनुष्य के संतान देख मैं तेरी आंखों की प्रिय को मारकर तेरे पास से ले लेने पर हूं परंतु न तो रोना पीटना और न आंसू बहाना लंबी सांसें ले तो ले परंतु वे सुनाई न पड़े मरे हुओं के लिए भी विलाप न करना सिर पर पगड़ी बांधे और पाओ में ज्योति पहने रहना और न तो अपने होठों को ढापना न शोक के योग्य रोटी खाना तब मैं सवेरे लोगों से बोला और सांझ को मेरी स्त्री मर गई और बिहान को मैंने आज्ञा के अनुसार किया तब लोग मुझसे कहने लगे क्या तू हमें न बताएगा कि यह जो तू करता है इसका हम लोगों के लिए क्या अर्थ है मैंने उनको उत्तर दिया यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा तो इसराइल के घराने से कहा प्रभु यहोवा यो कहता है देखो मैं अपने पवित्र स्थान को जिसके गढ़ होने पर तुम फूलते हो और जो तुम्हारी आंखों का चाह हुआ है और जिसको तुम्हारा मन चाहता है उसे मैं अपवित्र करने पर हूं और अपने जिन बेटे बेटियों को तुम वहां छोड़ आए हो वे तलवार से मारे जाएंगे और जैसा मैंने किया है वैसा ही तुम लोग करोगे तुम भी अपने होठ न ढापोगे न शोक के योग्य रोटी खाओगे तुम सिर पर पगड़ी बांधे और पाओ में जूती पहने रहोगे न तुम रोओगे, न छाती पीटोगे वरन अपने अधर्म के कामों में फंसे हुए गलते जाओगे और एक दूसरे की ओर कराहते रहोगे इस रीति यह स्केल तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा जैसा उसने किया ठीक वैसा ही तुम भी करोगे और जब यह हो जाए तब तुम जान लोगे कि मैं परमेश्वर यह हुआ हूं और हे मनुष्य के संतान क्या यह सच नहीं कि जिस दिन मैं उनका दृढ़गढ़ उनकी शोभा और हर्ष का कारण और उनके बेटे बेटी जो उनकी शोभा उनकी आंखों का आनंद और मन की चाह है उसको मैं उनसे ले लूंगा उसी दिन जो भागकर बचेगा वह तेरे पास आकर तुझे समाचार सुनाएगा। उसी दिन तेरा मुंह खुलेगा और तू फिर चुप न रहेगा परंतु उस बचे हुए के साथ बातें करेगा सो तू इन लोगों के लिए चिन्ह ठहरेगा और ये जान लेंगे कि मैं युआ हूं यह स्किल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 25। यह स्किल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 25। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा हे मनुष्य के संतान अमोनियो की ओर मुंह करके उनके विषय में भविष्यवाणी कर उनसे कहा हे अमोनियो परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि तुमने जो मेरे पवित्र स्थान के विषय जब वह अपवित्र किया गया और इसराइल के देश के विषय जब वह उजड़ गया और यहूदा के घराने के विषय जब वे बंधुआई में गए आहा अहा कहा इस कारण देखो मैं तुझको पूर्वियों के अधिकार में करने पर हूं और वे तेरे बीच अपनी छावनियां डालेंगे और अपने घर बनाएंगे वे तेरे फल खाएंगे और तेरा दूध पिएंगे और मैं रब्बानगर को ऊंटों के रहने और अमोनियों के देश को भेड़ बकरियों के बैठने का स्थान कर दूंगा तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं क्योंकि परमेश्वर यहोवा यो कहता है तुमने जो इसराइल के देश के कारण ताली बजाई और नाचे और अपने सारे मन के अभिमान से आनंद किया इस कारण देख मैंने अपना हाथ तेरे ऊपर बढ़ाया है और तुझको जाति जाति की लूट कर दूंगा और देश देश के लोगों में से तुझे मिटाऊंगा और देश देश में से नाश करूंगा मैं तेरा सत्यानाश कर डालूंगा तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूं परमेश्वर यहोवा यो कहता है मुआब और शेर जो कहते हैं देखो यहूदा का घराना और सब जातियों के समान हो गया है इस कारण देख मुआब के देश के किनारे के नगरों को व्यक्तिमोत बालमोन और किरियातैम जो उस देश के शिरोमणि है मैं उनका मार्ग खोलकर उन्हें पूर्वियों के वश में ऐसा कर दूंगा कि वे अमोनियों पर चढ़ाई करें और मैं अमोनियों को यहां तक उनके अधिकार में कर दूंगा कि जाति जाति के बीच उनका स्मरण फिर न रहेगा और मैं मोआब को भी दंड दूंगा और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं परमेश्वर यहोवा यो भी कहता है एदोम ने जो यहुदा के घराने से पलटा लिया और उनसे बदला लेकर बड़ा दोषी हो गया है इस कारण परमेश्वर यहोवा यो कहता है मैं एदोम के देश के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को मिटाऊंगा और तेमान से लेकर ददान तक उनको उजाड़ कर दूंगा और वे तलवार से मारे जाएंगे और मैं अपनी प्रजा इसराइल के द्वारा एदोम से अपना बदला लूंगा और वे उस देश में मेरे कोप और जलजलाहट के अनुसार काम करेंगे तब वे मेरा पलटा लेना जान लेंगे परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है परमेश्वर यहोवा यो कहता है क्योंकि पलिश्ती लोगों ने पलटा लिया परन अपनी युग युग की शत्रुता के कारण अपने मन के अभिमान से बदला लिया कि नाश करे इस कारण परमेश्वर यहोवा यो कहता है देख मैं पलिश्तियों के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाने पर हूं और करेतियों को मिटा डालूंगा और समुद्र तीर के बचे हुए रहने वालों को नाश करूंगा और मैं जल जलाहट के साथ मुकदमा लड़कर उनसे कड़ाई से पलटा लूंगा और जब मैं उनसे बदला ले लूंगा तब वे जान देंगे कि मैं युवा हूं